नमस्कार साथियों मैं जोगेंद्र सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एस एस मेकर में गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चों से अनुरोध है एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी जो है इसका लाभ प्राप्त जैसा कि आप सभी को पता है आज बजे आपकी जो जो ग्रुप आप डी आप में आए हैं तो इन क्वेश्चंस को आधार बने के आप अपने अगले एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं तो आप सभी के लिए एक क्लास जरूरी है एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी आपको इस क्लास को करना है साथ में आपको याद रखना है कल आपकी एक क्लास होनी है 11 बजे जो कि आपकी मैराथन किसकी यूपी ट्रिपल एस पैट के लिए कल आपकी मैराथन है तो वो आपको कल 11 बजे जो हो है होगी तो उससे आपको जुड़ना और एक क्लास आपकी परसों है करंट अफेयर की करंट उसकी सोमवार को जो कि करंट अफेयर का जो मैराथन है वो होनी है तो उसके साथ भी आपको जरूर जुड़ना है ठीक है रोहित म्यूजिक योगेश राहुल टाइगर रंजना हबीब दिव्या गुड्डू रोहित लिटिल बॉय योगेश रोहित कुमार संतोषी रोहित ओके राहुल सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चलिए क्लास को शुरू करते हैं और यह है आपके सामने पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उषमा परिचालक है एल्यूमिनियम चांदी सीसा तामा बिच ऑफ द फॉलोइंग बैड कंडक्टर ऑफ हीट फॉर फिलिंग ब्लैंक आपका कौन सा एक बुरा परिचालक है बैड कंडक्टर ऑफ हीट ये आपको बताना इनमें से कौन सा क्या है बैड कंडक्टर है किसका हीट का ये आपको कमेंट में लिखकर बताना बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा कौन सा है बैड कंडक्टर किसका हीट का किसका हीट का बैड कंडक्टर कौन सा है ये आपको बताना है बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा कौन सा सब अच्छा सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है तो याद रखिएगा पहले तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी यानी कि सी सा क्या जा हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी सा तो यह आपको याद रखना है याद रखिएगा सबसे अच्छा जो कंडक्टर है विद्युत का बया आपको ये तो उष्मा का हो गया विद्युत का अगर देखें विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा सबसे बेहतर कंडक्टर विद्युत का कौन सा है तो याद रखिएगा यह हो जाएगा चांदी और अगर सेकंड नंबर की बात करें सेकंड पर कौन आता है तो याद रखिएगा सेकंड पर हो जाएगा आपका तांबा सेकंड बेस्ट कौन सा है सेकंड बेस्ट है आपका तांबा तो ये आपको याद रखना है रेडना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग बना रहता है ये जो सिनेमा वगैरह चलता है ना जैसे आप मुझे देख रहे हैं मैं यहां से यहां ये जो आपकी वीडियोग्राफी है ये जो सिनेमा वगैरह है ये सभी इसी एक सिद्धांत पर काम करता है या उन सबके बेस में एक ये चीज है आपको बताना है रेटिना पे बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग बना रहता है एक बटे दसवें भाग सेकंड का ठीक है द इफेक्ट ऑफ इमेज फॉर्मड ऑन द रेटिना इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट कितने समय तक वो आपके रेटिना पर बना रहता है उसके बाद वो हटता है फिर दूसरा प्रतिबिंब बनता है और यही जो है आपको सिनेमा वगैरह में जो आप देखते हैं तो जो लोग हैं ना चलते फिरते दिखते हैं ये मतलब जो वीडियोग्राफी है उसका आप बेस जो है यही एक सिद्धांत है जो हमारी रेटिना पर जो है जो प्रतिबिंब रुक जाता है कितना हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी एक बटे सोलह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा एक बटे सोलह तो यह आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन ताप गति का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंधित है न्यूटन के शीतलन नियम से चार्ल्स नियम से ऊष्मा विनिमय के नियम से और ऊर्जा के संरक्षण के नियम से वाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जनरली कंसर्न विद न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग चार्ल्स लॉ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा यह आपको कमेंट में लिखकर बताना अच्छा एक चीज और आपको याद रखनी है आपके जूल का जो पहला नियम है I बराबर सब मतलब ईट का एच बराबर आई स्क्वायर आर टी आपको यह भी याद रखना है यह क्या है प्रथम नियम है ये आपको याद रखना है आपसे कई बार पूछा है अभी रेलवे ग्रुप डी में कारण इसका यह भी है कि ये जो पूछा गया है ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल ऐसा नहीं था फॉर्मूला पूरा करने के परपज से पूछा गया मतलब कहने का अर्थ यह है कि फॉर्मूला दे रखा था आधा कि h बराबर क्या होगा या h बराबर आई स्क्वायर फिर फिलिंदा ब्लैंस और t तो जो फिलिंदा ब्लैंक्स है उसकी जगह पर क्या होगा ठीक है बहुत अच्छे ये क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये आपको याद रखना है अगला किसी वस्तु की फिलिंद सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समान अंतराल में वस्तु के बेग में परिवर्तन शून्य होगा सरल रेखीय सापेक्ष साम्य और एक समान द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग ब्लैंक्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो रिलेटिव स्ट्रेट लाइट इक्विवेलेंस और यूनिफॉर्म क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है आपका फोर बहुत अच्छे बताओ जल्दी से क्या होगा धीरज यदवंशी पिंकू महेंद्र अच्छा तुमको पहले यह जानना है कि क्वेश्चन कितने तुमको यह नहीं जानना कि आ क्वेश्चन जो है सामने जो है उनके आंसर दे के देख ले मतलब तुमको यह नहीं करना तुमको यह जानना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में कितने हैं ना बहुत अच्छे क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका एक समान गति जो एक समान सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी संतराल में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा अगर देखो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है साठ किलोमीटर वो एक घंटे में गए अब वो 40 की स्पीड से चले फिर उन्होंने बढ़ा के 50 कर ली फिर 40, फिर 50, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल जो परिवर्तन है उसमें वो मतलब उस एक दूरी के लिए तो शून्य है ना तो यह आपको याद रखना है अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह सबसे अधिक कहां होता है यह क्या है यह है आपकी पृथ्वी क्या है पृथ्वी यह है आपका जीरो डिग्री साढ़े तेईस साढ़े तेईस साढ़े छियासठ साढ़े छियासठ और यह है नाइन्टी और यह है नाइन्टी अब आपको यह बताना है इनमें से कहां पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होगा यह आपको बताना बताओ जरा कहां सबसे अधिक होगा आकांक्षा बहुत अच्छे और क्लास को आप सभी शेयर जरूर कर लीजिए जिससे कि और भी बच्चे क्लास के साथ जुड़े और लाइक भी करना ठीक है सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला सबसे अधिक कहां होता है तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो गुरुत्वाकर्षण है यह होता है आपका ध्रुव रेखा पर किस पर ध्रुव रेखा पर तो यह आपका मतलब जो पोल है जो पोल है यहां पर सबसे अधिक जो है गुरुत्वाकर्षण होता है गुरुत्वाकर्षण ऊपर की ओर जाने पर मतलब जीरो डिग्री से पोल की ओर जाने पर बढ़ता है पोल की ओर यहां पर कहें आपका रेखा या जो इक्विटोरियल लाइन है इसके नजदीक आते आते कम होता है यही कारण है कि अगर भार की बात करें किसकी भार की बात करें तो यह होता है बराबर एम तो जहां एम का मान अधिक होगा वहां वस्तु का भार भी अधिक होगा यानी कि अगर जो जी है इसका मान आप पोल पर सबसे अधिक है तो याद रखिएगा किसी वस्तु का मान भी जो वस्तु का भार है वो भी सबसे अधिक कहां पर होगा पोल पर ही होगा तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन समझ में आ गया ना भार और गुरुत्वाकर्षण इनमें समझ में आया या नहीं अगर आ गया तो कमेंट में लिखकर बताओ कि समझ में आ गया ठीक चलिए बहुत अच्छे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना ब्लैंक्स कहलाती है अपवर्तन संचरण विवर्तन कोई विकल्प सही नहीं है दिनोमिन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन डिफ्रेक्शन और ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है आपका सिक्स क्या कह रहा है पूछ रहा है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन जैसे मान लो ऐसा मानो जैसे ये मतलब बातावरन है बातावरन में प्रकाश है इसके बाद ये जल में जाता है और फिर परिवर्तित हो जाता है तो ये जो परिवर्तित हुआ है ना इसे कहेंगे क्या इस शब्द के लिए मतलब जब ये विचलन मतलब इसमें प्रकाश में जो विचलन हुआ है ये जो है इसे कहते क्या है अपवर्तन संचरण अब विवर्तन और कोई विकल्प सही नहीं है मतलब इसके दिशा में जो परिवर्तन हुआ है इसे क्या कहेंगे द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड क्या इसे कहते हैं यह आपको बताना है क्वेश्चन है आपका सिक्स बहुत अच्छे बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसे कहते हैं अपवर्तन क्या कहते हैं इसे कहा जाता है अपवर्तन तो यह आपको याद रखना ठीक है यह सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको इन्हें याद रखना है क्या करना है इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है भूलना नहीं है पेपर अभी भी चल रहे हैं और आपके और आप देख रहे हैं साइंस में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एनालिसिस नहीं देखे हैं तो देखिए है, एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक ज्योति बहुत अच्छे पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण आसंजक बल का अभाव तल की अपेक्षा जल हल्का होता है आपस में मिल नहीं सकते द रीजन भाई वाटर ड्रॉपलेट डू नॉट स्टिक टू सरफेस इज अब एडहेंसिव फोर्स सरफेस टेंशन वाटर इज लाइटर देन ऑयल कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने के कारण मतलब जो मान लो कि एक तेल है उसके ऊपर या फिर ऐसा मानो जैसे पानी है ना पानी के ऊपर तेल बिखरा होता है अच्छा तेल बिखरा होता है तो जो तेल है ना ये रंग बिरंगा दिखाई देता है क्या कारण है एक तो ये बताओ दूसरी चीज जो आपको बतानी है वो ये कि क्यों जो है ये इससे मिलता नहीं है क्यों जो है इससे चिपकता नहीं है ये आपको बताना क्यों अगर आप उसे अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा क्यों ऐसा है क्या कारण है क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आसंजक बल का अभाव क्या हो जाएगा आसंजक बल का अभाव कमेंट में परिभाषा लिखकर बताओ आसंजक बल की मतलब शॉर्ट में लिखकर बतानी है ऐसा नहीं है कि ससंजक बल, तो बल, बल किसे कहते हैं कमेंट में लिखकर आपको बताने अच्छा इंद्रधनुष किस कारण से बनता है आपने देखा होगा बारिश के बाद जो वातावरण में जो ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं जो बूंदे वगैरह बच जाती हैं उनसे जब प्रकाश गुजरता है तो वो क्या होता है उसका जो है वो अपवर्तित होता है या क्या जैसे प्रिज्म से गुजरता है ना तो जो बूंदे हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं और सात अलग अलग रंगों को जो है दिखाती हैं बस आपको ये बताना है कि ये जो इंद्रधनुष दिखता है ये जो बनता है ये किस कारण बनता है क्या कारण है इनके बनने का ये आपको बताना है ठीक है बूंदे प्रिज्म की तरह काम करती हैं और जो श्वेत प्रकाश है उसे सात रंगों में विभक्त करती हैं इंद्रधनुष जब बनता है तब ठीक चलो बढ़िया तो मैराथन ही है क्या चल रहा है ये बहुत अच्छे क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका अपवर्तन और परावर्तन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अपवर्तन और परावर्तन तो ये आपको याद रखना है ठीक चलिए अगला क्वेश्चन एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है ध्वनि तरंग पराश्रव्य तरंग एक्स किरण और चुंबकीय तरंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एमआरआई मशीन साउंड वेव अल्ट्रासोनिक वेव एक्स रे और मैग्नेटिक वेव एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है बताओ जल्दी से सुगम निवेश किशोरी विनय <laughs> कुमार टेक चलो क्या पूछ रहा है एमआरआई मशीन में इनमें से किसका प्रयोग किया था विच ऑफ द फॉलोइ इन एम आर आई मशीन बताओ जरा क्या हो जाएगा सेवे नंबर क्वेश्चन आसंजक बल का भाव मतलब इसीलिए तो पूछा मैंने ससंजक और आसंजक बल क्या होते हैं कमेंट में लिखकर बताओ हाँ किसी ने लिख के तो बताया कौन था क्या हो जाएगा चुंबकीय तरंगों का प्रयोग जो है करते हैं ठीक है बढ़िया किसका चुंबकीय तरंग एम आर आई की फुल फॉर्म क्या है? अच्छा मैग्नेटिको रिसोनेंस एनर्जी इमेजिंग बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन ये है पढ़ो और जवाब दो ठीक बहुत अच्छे पिंकू ठीक हाउ अगला क्वेश्चन यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगी अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगी ये आपको बताना दो अणुओं के बीच को बल बल नहीं कहते उसे बल कहते उसे आकर्षण हैं देखो जब दो दो एक जैसे जो आ, मतलब भिन्न भिन्न भिन पदार्थ जो होते हैं जब उनके अड़ु जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं ससंजन बल है ना जुड़ने का काम करता है तो ससंजन बल जब नहीं जुड़ते तो वो होता है आपका आसंजन बल मोटे मोटे तौर पर इसे मान सकते हैं ठीक है बढ़िया और जो दो अड़ुओ के बीच जो होता है ना उसे आकर्षण बल बोलते हैं देखो इसे ऐसे समझो देखो ससंजक बल क्या है ससंजक बल है जैसे दो सेम ही पदार्थ हैं क्या है? दो सेम पदार्थ हैं इनके बीच लगने वाला जो बल है आ, अब अच्छे से समझ लो जब समझ रहे हो तो जैसो देखो दो पदार्थ हैं सेम पदार्थ हैं इनके बीच लगने वाला जो बल है ये होता है ससंजक भाई जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं और इनके बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं आसंजक बल तो ये आपको याद रखना है ठीक है जहां ये आसंजक बल भिन भिन आसंजक बल बल अच्छे अच्छे से से काम काम करता करता है है वहां दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच जब तो वो वहां चिपक जाते हैं अगर वो उसका अभाव होता है तो वो उससे चिपकते नहीं है आसानी से अलग हो जाते हैं ठीक है चलो यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा का क्या होगा तो याद रखिएगा यह कम हो जाएगी अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये आपको याद रखना है प्रति प्रतिरोध जो है इसका फॉर्मूला कमेंट में लिखकर बताओ बताया है मैंने इसका फॉर्मूला जो है आपको कमेंट में लिखकर बताना पूछ रहा है प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी क्या कह रहा है कह रहा है प्रतिरोध को जो है अगर आधा कर दिया जाए तो जो धारा है ये क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी कोई परिवर्तन नहीं होगा आधी हो जाती है तीन गुना हो जाती है इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ देन द करंट इज विल बी डबल्ड देयर इज नो चेंज बिकम हाफ और बिकम फ्री टाइम क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है आपका इलेवन आपको बताना है सही जवाब जो है क्या हो जाएगा अगर प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए अगर प्रतिरोध को जो है आधा कर दिया जाए तब क्या होगा यह आपको बताना है. ठीक बढ़िया देखो बी बराबर क्या होता है आई आर ठीक है क्या कह रहा है पूछ रहा है प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा कितनी हो जाएगी दोगुनी देखो ऐसा है। बी बराबर क्या है आई यार, बी आर बी अपॉन आर इज इक्वल टू आई बी अपॉन आर अपॉन टू यह कहां चला जाएगा ऊपर ये है आपकी आई यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा टू इंटू बी अपॉन आर तो कितनी हो गई दोगुनी कितनी हो गई दोगुनी हो जाएगी तो यह आपको याद रखना है अगला विद्युत ऊर्जा की बाणिज्य इकाई क्या है जो विद्युत ऊर्जा है इसकी इकाई क्या है समझ में आया ना कैसे दोगुनी हो गई समझ में आया या नहीं अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखकर बताओ दोबारा समझा दिया जाएगा अगर नहीं आया है तो ठीक है पर यह आपको समझ लेना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य की का ही क्या है बाट क्लोबाट क्लोबार्ट घंटा जूल द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बाट क्लोबार्ट क्लोबार्ट आर और जूल क्वेश्चन है आपका ट्वेल्व <laughs> आधे का डबल एक का नहीं आधे का डबल करते हैं ठीक चलिए क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा क्या होता है किलोवाट घंटा कभी आपने घर वगैरह में भी देखा होगा तो जो बिजली का बिल आता है ना वो इसी में लिखा आता है फैक्ट्री वगैरह जो बिल आता है वो इसी में आता है कहते हैं ना कि घर का मीटर कितने का तो दो किलो वाट का है, है ना किसका दो किलो वाट का तो ये आपको याद रखना चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिजली की मोटर फिलिंद रूपांतरित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसकी बात कर रहा है मोटर की बात कर रहा है बिजली के मोटर की ठीक है ऊर्जा 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 को को विद्युत विद्युत में में यांत्रिक और विकरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी और रेडिएशन एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है आपका थर्टीन आपको बताना है सही जवाब इसका क्या हो जाएगा और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बढ़िया ठीक बहुत अच्छे क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा यह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में अगर जनरेटर की बात करें अगर जनरेटर की बात करें तब यह क्या करता है जब जनरेटर है ये क्या करता है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना अगला इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब किसमें इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर गैस भरनी है तो कौन सी गैस भरी जाती है यह आपको कमेंट में लिखकर बताना बता जल्दी से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन आर्गन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा जवाब यह आपको बताना बताओ जल्दी से देखो तांत्रिक ऊर्जा को नहीं यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर ठीक है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल अच्छा मैकेनिकल से याद आया अच्छा अगर यह पूछा जाए कि मैकेनिकल एनर्जी जो है मतलब यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी किन दो एनर्जी के योग के बराबर होती तो क्या लिखोगे अगर मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पूछा जाए या किन दो एनर्जी के योग के बराबर होती है तब आंसर क्या होगा आपको कमेंट में लिखकर बताना है ठीक है क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आर्गन और हाइड्रोजन तो ये आपको याद रखना है अच्छा एक चीज और जो आपको यहां पर याद रखनी है वो ये कि आपकी क्लास कल भी है एक ग्यारह बजे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हम वहां करेंगे जीएस की मैराथन किसके लिए पैट के लिए उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनके लिए ठीक है वही आपकी परसों क्लास है करंट अफेयर की किसकी मैराथन की तो उसके साथ भी आपको जुड़ना जुड़ना है ठीक है बढ़िया लबकुश नित्या वसीम क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपका फिफ्टीन इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से होने वाली धातु का नाम क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए जो फिलामेंट है उसके लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है याद रखिएगा जो मैकेनिकल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का योग होता है काइनेटिक गतिज ऊर्जा 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 पोटेंशियल और मैकेनिकल यांत्रिक ठीक है अगला इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए फिलामेंट के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है यह आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए यानी कि टंगस्टन क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका टंगस्टन किसका टंगस्टन का जो है प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का प्रयोग किया क्यों जाता है अगर आपसे पूछा जाए का प्रयोग क्यों किया जाता है तब आपके पास क्या जवाब है कमेंट में लिखकर बताइए कहां है दिल्ली, साहा, फिजिकल दिल्ली, और वेस्ट बंगाल साहा नावकीय भौतिक संस्थान कहां पर है यह आपको बताना क्वेश्चन क्या है सिक्सटीन बताया कहां, कहां पर हो जाएगा तो याद रखिए यह हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता में है बेसिकली कहां पर पश्चिम बंगाल कोलकाता में है तो यह आपको याद रखना है अगला फिर इन एटम बम का आविष्कार किया जे रॉबर्ट ओपन जॉन बाउनिंग सेमुअल कोहेन सेमुअल कोल्ट हैड इन्वेंटेड द एटम बम्प जे रॉबर्ट ओपन हाइमर जॉन बाउनिंग सेमुअल कोहेन और सेमुअल कोल्ट किसने जो है एटम बम का जो है क्या किया है एटम बम का आविष्कार किया है बताओ जल्दी से बबलू कुमार चलिए बहुत अच्छे अभिषेक ठीक गलनांक अधिक होता है इसका इसका जो गलनांक है वो उच्च होता है ये क्वेश्चन पूछा है आपका ठीक है अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्योंकि इसका जो गलनांक है वो क्या होता है होता है यहां अगर बात करें तो ये हो जाएंगे जे कौन? जे रॉबर्ट रॉबर्ट कौन तो ये आपको याद रखना है। ठीक है आप सभी बच्चों को क्लास को शेयर करना है तो शेयर जरूर कीजिए साथ में आपको इसे लाइक करना है क्या करना है शेयर और लाइक आपको यहां इसे करना है परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं चालित रूप से होती हैं सूर्य में परमाणु रिएक्टर में सागर की लहरें और धरती के क्रूड में न्यूक्लियर फिजन रियक्शन स्पॉन्टेनियसली इन द सन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर ओशियन वेब इन द कोर ऑफ द अर्थ क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है 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 आपका 18. आपको बताना है सही जवाब जो है इसका क्या हो जाएगा बताओ जरा परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचलित तो रूप से होती हैं कहां पर किस में इनमें से तो कौन सी एक चीज है जिसमें परमाणु संलयन प्रतिक्रिया जो है स्वचलित तो रूप से होती है अपने आप होती है मतलब उसे रेगुलेट ही नहीं किया जा सकता वो हो रही है बस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए यानी कि सन में किसमें सूर्य में और उसी से जो है हमें या पूरे ब्रह्मांड को हमारे वाला जो ब्रह्मांड है मतलब हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें जो सूरज है और जिसके यहाँ सूर्य का जो सौर मंडल है इसको क्या मिल रही है एनर्जी मिल रही है किससे ये इसी एक प्रक्रिया से सूर्य के द्वारा तो ये आपको याद रखना अच्छा एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं एक दो तीन और कुछ नहीं हाउ मैनी न्यूट्रॉन आर देयर इन हाइड्रोजन एटम वन टू थ्री और नथिंग एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं ये आपसे पूछ रहा है बताओ जरा कितने न्यूट्रॉन होते हैं ये सब मैंने कराया है आपको जब मैंने वो कराया था ना आपको जीएस के सॉरी साइंस का जब क्रैश कोर्स कराया था उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं बस ये रिवीजन चल रहा है आपका जिससे कि आपको पता रहे कि क्या है साथ में ये कि आपके अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम आया उनके आधार पर मैंने ज़्यादा निकाला कुछ नहीं कोई न्यूट्रॉन जो है इसमें नहीं होता है, तो यह आपको याद रखना है अगला सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? जो सितारे हैं इनमें प्लाज्मा के बनने का कारण क्या हो जाएगा उच्च तापमान उच्च दाब कम दाब और कम और कम तापमान द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा इन स्टार्सिस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर बताओ जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी पहले क्वेश्चन क्लास कर लो पीडीएफ के लिए बाद में चिल्लाना है ना हाय तोबा मचा रखी है तुमने कि हे भगवान पीडीएफ नहीं मिल रही है ऐसा नहीं है नहीं मिल रही है जाके देखोगे ना एसएससी मेकर जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लो उसका लिंक है ऊपर तो वहां मिल जाएगी पर पहले क्लास कर लो है ना उसके बाद देखेंगे पीडीएफ के बारे में बाद में सोचना पहले क्लास देख लो क्या है प्लाज्मा बनने का कारण क्या है तो इसका जो हाई टेम्परेचर है उच्च तापमान जो है उसी के कारण उसमें प्लाज्मा बनता है तो ये आपको याद रखना है अगला प्रकाश बल्ब का, का, का फिलामेंट बनाने के लिए फ्रिंदावलैन धातु का उपयोग किया जाता है नाइक्रोम कॉपर निकेल टंगस्टन द मेटल यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब इज नाइक्रोम कॉपर निकल और टंगस्टन प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इनमें से देखो एक है प्रकाश बल्ब इससे पहले हमने जिस बात की थी वो था विद्युत बल्ब है ना अब बताओ जरा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी वन है ना अरे कोई तो जवाब बदल लो अपना नहीं बदल रहे हाँ एक रह बदल लिया क्या हो जाएगा टंगस्टन है कोई फर्क पड़ता उससे प्रकाश बल्ब किससे जलाऊगी जलाओगे तो इलेक्ट्रिक से ही <laughs> कुछ भी क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी यानी टंगस्टन तो ये आपको याद रखना है अगला अगला है आपका ट्वेंटी

जो प्रकाश है वो पीला दिखता है इसका कारण क्या किस पदा किस तत्व का यूज जो है उसमें किया जाता है ये आपको बताना बता जरा क्या हो जाएगा बहुत अच्छे उसमें जो प्रकाश जो पीला दिखता है उसके लिए किस तत्व का प्रयोग जो है किया जाता है यह क्या हो जाएगा तो याद रखेगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका समानांतर क्रम में किसमें समानांतर क्रम में तो यह आपको याद रखना है। अगला बैटरी की क्षमता फिलिंद में व्यक्त की जाती है एम्फियर घंटा वोल्टेज बैटरी के बाहर इलेक्ट्रोलाइट के आयतन बैटरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्फियर आर वोल्टेज द लोड ऑफ द बैटरी और वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैटरी की क्षमता फिलिंद में व्यक्त की जाती है क्वेश्चन क्या है ट्वेंटी थ्री आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ बटावट बटा बट। सोडियम सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए ठीक है यह क्या हो जाएगा बैटरी की क्षमता ब्लैंक्स में व्यक्त की जाती है तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका एम्पियर घंटा किसमें एमपियर घंटा में जो है यह व्यक्त की जाती है याद रखिएगा निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभा को बनाए रखने में मदद करता है इनमें से कौन सी युक्ति है जो चालक के विभान को बनाए रखने में मदद करता है अमीटर सेल या बैटरी बोल्ट मीटर विच ऑफ डिवाइस हेल्प इन मेंटेनिंग द पोटेंशियल अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर अमीटर गैलवेनोमीटर सेल और बैटरी और बोल्ट मीटर क्या हो जाएगा यह आपको बताना क्वेश्चन आपका ट्वेंटी फोर बढ़िया बहुत अच्छे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा सेल या बैटरी क्या सेल या जो बैटरी है इसका प्रयोग किया जाता है अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है मतलब गलत है ठीक है यह अस्थायी चुंबक है दूसरा इसकी क्षमता इसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती है मतलब अलग अलग हो जाती है ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता और इसकी क्षमता को बदला जा सकता है अब फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इट इज टेम्परेटरी टेम्परेरी मैग्नेट इट पोटेंशियल बैरीज विद द सेंटर ऑफ इट्स पोल कैन नॉट बी पोल राइट और इट्स कैपेसिटी कैन बी चेंज क्या जो है इसका सही जवाब हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है? ये गलत है अच्छा कमेंट में लिखकर ये बताओ जो सेल होता है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है यह जो सेल है आपका यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है यह आपको बताना है क्वेश्चन आपका ट्वेंटी सिक्स हो बहुत अच्छे क्या हो जाएगा ये आपको इकाई क्या, आप क्या हो जाएगी ये आपको बताना है. बताओ जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब यह केमिकल को इलेक्ट्रिक में बदलता है किसको केमिकल को जो है इलेक्ट्रिक में बदलता है रासायनिक को विद्युत में बदलता है तो यह आपको याद रखना यांत्रिक कैसे यांत्रिक को बदल सकता है सेल कैसे यांत्रिक को बदल सकता है सोच के देखो है ना चलो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बेबर फ्लक्स का क्या होता है बेबर तो यह आपको याद रखना अगला जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है मध्यस्थ के लिए अर्थ चालक चालकवाहक सॉरी बिसंबाहक अच्छा और जर्मेनियम इज मेनली यूज्ड फॉर मेडिटेड मेडिएटर सेमीकंडक्टर और ये कंडक्टर और इंसुलेटर ठीक है बताओ जरा क्या हो जाएगा सही जवाब क्यों जो है इसका प्रयोग किया जाता है बताओ जल्दी से बढ़िया क्वेश्चन क्या है ट्वेंटी सेवन मीणा ठीक क्या ये हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर के रूप में अच्छा और सेमीकंडक्टर के एग्जांपल आप पता हो तो कमेंट में लिखकर बताओ सेमी कंडक्टर जर्मीनियम के अलावा और कौन कौन सेमी कंडक्टर हैं उनके बारे में आपको कमेंट में लिखकर बताना बता क्या हो जाएगा और कौन कौन सेमी कंडक्टर है अगला क्वेश्चन प्रकाश उत्सर्जन डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन फिलिंद छोड़ दिया तरंग दृश्य प्रकाश अ लाइट एमेटिंग डायोड आर यूज इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सच एज टेलीविजन फिलिंदा बैंक लिव आ अल्ट्रा ट रेस एक्स रेस रेडियो विजुअल लाइट आपको बताना कौन सी तरंगे जो है ये छोड़ती हैं ये आपको बताना अर्धचालक और कौन सा है सिलिकॉन है सिलिकॉन के अलावा और कौन सा है ये आपको बताना सिलिकॉन तो सभी को पता है कि सिलिकॉन होता है आर्सेनिक आरसेनिक ओ, एंटीमनी ये हुई ना बात स्वांगता ना बहुत अच्छे क्या हो जाएगा चांद बाबू बहुत अच्छे बढ़िया आकाश बेहरा बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा यह छोड़ती है रेडियो तरंगे क्या छोड़ती है रेडियो तरंगे अगला प्रत्यावर्ती धारा का विस्कार द्वारा किया गया आइजक न्यूटन थॉमस एडिसन निकोला टेस्ला अल्बर्ट आइंटी द अल्टरनेटिव करंट वॉज इन्वेंटेड बाय आइजक न्यूटन थॉमस एडिसन निकोला टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टीन अच्छा कमेंट में लिखकर बताओ भाप के इंजन का विस्कार किसने किया भाप के इंजन का विस्कार किसने किया टेलीविजन का किसने किया कमेंट में लिखो दूरबीन का किसने किया बताओ इन तीनों के बारे में बताओ चलो प्रत्यावर्ती धारा किसका अल्टरनेटिव करंट ए सी डीसी है ना डायरेक्ट करंट डीसी और अल्टरनेटिव करंट यानी कि ए सी इसका जो आविष्कार है इसके बारे में जो बताया था यह किसने बताया है यह आपको बताना इनमें से कौन है जिन्होंने इसके बारे में बात की है तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका सी निकोला टेस्ला अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है आपका थर्टी पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन फिर बनाया सबसे पहली पेट्रोल से चलने वाली कार कौन सी है यह आपको बताना है। किसने बनाई हेनरी फोर्ड ने कार्ल बेंज और कार्लबेंज आ ड्यूगरस हो रेस एलगिस इंजन ऑफ फर्स्ट पेट्रोल पावर्ड कार बाज मेड बाय हेनरी फोर्ड कार्ल कार्लबेंज ह्यूज मरस और होरेस एलिस क्या हो जाएगा यह आपको बताना है क्वेश्चन है आपका थर्टी ठीक तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी यानी कि कार्ल बेंज किसने कार्ल वेंज़ ने बनाया है तो ये आपको रखना जेम्स भाप ठीक है टीवी जेएल एल बहुत बढ़िया और दूरबीन गैलीलियो मीनाक्षी बहुत बेहतरीन ठीक के एम संतोषी चलिए बहुत अच्छे आगे चलेंगे अच्छा आ बैंडेड बे, का आविष्कार किसने किया बैंडेड क्या होता है जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो आप बैंडेड लगाते ना उसी बैंडेड की बात कर रहे हैं उसका आविष्कार किसने किया बैंडेड जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है गुड्डू कुमार बताइए फटाफट से और इस क्लास को आप सभी शेयर कर दीजिए क्या कर दीजिए आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए आपको इसे लाइक करना है क्या करना आप सभी को इस क्लास को लाइक और शेयर करना है। आपको बताना बैंडेड जो है इसका आविष्कार किसने किया है लुइस पास्टर और फ्रेंक ए पर्सन हु इनबेंटेड बैंड एड बैंडेड यानी अर्ल डिक्सन एलन ग्रांट और लुइस पोस्टर और फ्रैंक ए पर्सन क्वेश्चन क्या है थर्टी वन बताओ जल्दी से क्या होगा गिरिजा हुँ। क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा एलडिक्सन क्या हो जाएगा एल डिक्सन लुई पास्टर ने पास्टरीकरण की खोज की है ठीक है तो ये आपको याद रखना क्वेश्चन आपका थर्टी टू क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से एलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया टेलीफोन बल्ब रडार और रेल इंजन फॉलोइंगड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम वेल किसने? बल्ब की खोज किसने की कि? विद्युत बल्ब जो है इसकी खोज किसने की है यह आपको बताना बताओ जल्दी से लुई पास्टर ने पास्टरीकरण की है बैंडेड की थोड़ी की है बैंडेड की, की, की है आपके ये अर्ले डिक्सन ने बढ़िया चलिए बहुत अच्छे टेलीफोन की स्पेलिंग टी ई एल ई पी एच ओ एन है ना ठीक क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका टेलीफोन क्या हो जाएगा टेलीफोन बल्ब की खोज किसने की है बल्ब का आविष्कार किसने किया है ये आपको बताना बताओ जल्दी से अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है मैथिलिन एथिलिन मीथेन और एसीटोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूज फॉर रिपाइनिंग फ्रूट्स मैथिलीन एथिलीन मीथेन और एसीटोन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन आपका थर्टी थ्री क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है कौन सा है इनमें से जो कृत्रिम रूप से फल पकाता है मतलब फल पका नहीं है पर इसमें अगर लगा के रख कहते हैं ना कार्बाइड में लगा के रख दिया तो फल जो है पक जाते हैं थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की है बहुत अच्छे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका एथिलीन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एथिलीन तो ये आपको याद रखना है। अगला निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है इनमें से कौन किसका पीएच मान शून्य के सबसे करीब है अभी जो आपके रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए पीएच मान से पूछे किस तरह के पूछे है? उन्हें मैं बताता हूं देखो देखो पहले तो पीएच के बारे में जान लो पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये अगर सात हो तो यह क्या होता है तो यह होता है उदासीन ठीक है अगर ये सात से चौदह तक के बीच में हो तो ये होता है क्षारिय और अगर ये सात से कम जीरो तक हो तो ये होता है अम्लीय पूछा आपसे ये है कि अगर किसी का पीएच 2.4 टू पॉइंट फोर है तो क्या होगा अगर किसी का जो पीएच है ये नाइन पॉइंट फोर है तब क्या होगा अगर किसी का पीएच 7 सात है तब ये क्या होगा तो इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पीएच को लेकर पूछेगा यहां अगर बात करें पीएच पैमाने की तो याद रखिएगा ये जीरो से चौदह के बीच में होता है कितना जीरो से चौदह के बीच में जो है ये होता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा एच सी एल क्या हो जाएगा एच सी एल शुद्ध पानी का पीएच सात होना है क्योंकि वह उदासीन होता है ठीक है तो ये हो जाएगा प्रबल अम्लीय हां ठीक है ये हो जाएगा लगभग अच्छा और ये हो जाएगा आपका उदासीन ठीक अगला उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर है इसके इसमें अगर उत्प्रेरक का जो है उत्प्रेरक अगर मिलाया जाए तो यह इस प्रक्रिया के साथ करेगा क्या घटा देगा बढ़ा देगा पहले बढ़ाता है फिर घटाता है कोई परिवर्तन नहीं होता कैटलिस्ट इज सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज इंक्रीज फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज और ब्रिंग नो चेंज क्या होता है उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है पानीपत से नमस्कार चलिए नमस्कार जी नमस्कार क्वेश्चन पर ध्यान दें चलिए बहुत अच्छे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी यानी कि इंक्रीज कर देता है क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है यानी कि बढ़ा देता है ठीक अगला क्वेश्चन अम्ल वर्षा किसके कारण होती है अम्ल वर्षा के नुकसान क्या क्या है जो अम्ल वर्षा होती है इसके क्या क्या नुकसान है जरा कमेंट में लिखकर होता हूं एनओ टू और एन ओ टू किसके कारण होती है अच्छा एक क्वेश्चन आपका यह पूछा गया है जो गैस से याद आया आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा है कि जो आपका भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना कौन सी भोपाल गैस त्रासदी पहले तो यह बताओ ये जो गैस त्रासदी हुई थी किस कंपनी इसके इसमें जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम क्या था उसके अध्यक्ष कौन थे पहले तो यह बताओ यहां यह पूछा गया है कि यहां से कौन सी गैस निकली थी जिससे कि बहुत से लोग काल की गोद में समा गए थे आपको बताना है कौन सी गैस जो है वह निकली थी बताओ जरा फटाफट से अम्ल वर्षा इसके कारण होती है क्वेश्चन आपका थर्टी सिक्स ताजमहल पीला हो गया यह सच है लेकिन ये भी है जो वनस्पति वगैरह ना इन्हें नुकसान होता है अगर ऐसे ट्रेन में हम भी घूमने जाएंगे ना तो हमारे शरीर को भी जो है नुकसान होता है बहुत से नुकसान है इससे ये आपका ना संग बगर बगर संग मर जो है इसे पीला कर देता है ये जिसके कारण ताजमहल पीला हो रहा है और बात करें ये होता क्यों है तो ये होता है आपका एसओ और एनओ के कारण किसके कारण एसओ और एनओ के

खोज से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे या आपके जैसे जीएस में हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे हो ही नहीं सकता एग्जाम कैसे पूरा होगा इनके बिना है ना बढ़िया क्या हो जाएगा अब वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था ये आपको याद रखना और जो आ, गैस निकली थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड तो ये आपको याद रखना है अगर इसकी बात करें किसने की है तो ये की है हेनरी बेकेरल ने किसने हेनरी बेकेरल द्वारा जो है इसकी खोज की गई है मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की है कमेंट में लिखकर बताओ रदर ने किसकी खोज की है कमेंट में लिखकर आपको बताना एंडरसन हेड से ठीक है बहुत अच्छे अगला रेडियो को मापा जाता है बिट्टू बहुत अच्छे बताओ को जो है है मापा जाता किससे रेडियो किससे आप माप सकते हैं यह आपको बताना गायलर मोलर काउंटर द्वारा आ, कलरी मीटर द्वारा और कैलोरी द्वारा और पोलरी मीटर द्वारा रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड गायलर मोलर काउंटर द्वारा या कैलोरी मीटर द्वारा ये ये भी कह कै, कि कैलोरी है वो कैलोरी है ठीक है ये कैलोरी और ये है कलरी मीटर और यह पोल, पोलरी मीटर बताओ जरा क्वेश्चन है थर्टी एट बहुत अच्छे एसिड्रीन कब होता है देखो जो एसो टू और एनओ टू है जैसे प्रदूषण वगैरह से जब एसोड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये ऊपर मतलब जब आ, छूटती है मतलब प्रदूषण से जब ये उत्पन्न होती है तो ये ऊपर की ओर जाती है तो जो बादल वगैरह जो होते हैं जहां बूंदे वगैरह जो हैं संगणित होती हैं है ना और वहां जाके जब ये उनसे मैच कर जाती हैं मिल जाती हैं और उनमें घुल जाती हैं उन बूंदों वगैरह में घुल जाती हैं तो जब गिरती है ना तो इसे कहते हैं एसिड रेन ये है बेसिकली इतना है बहुत ज्यादा नहीं है क्या हो जाएगा याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका एक गायलर मुलर काउंटर द्वारा क्या हो जाएगा गाइलर मुलर काउंटर द्वारा तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सरीके का प्रमुख घटक है साइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड नाइट्रिक एसिड लेक्ट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिटुएंट ऑफ विनेगर सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड नाइट्रिक एसिड और लेक्ट्रिक एसिड क्या पूछ रहा है पूछ रहा है आपका सिरके का घटक यह है पूछा है सिरके का घटक पूछा है आपसे आप पूछा है किस अम्ल में क्या होता है जैसे कि अंगूर में कौन सा अम्ल होता है है ना और दही में कौन सा अम्ल मिलता है दूध में कौन सा अम्ल मिलता है चीटी काट ले तो जो काटने पर जो डंक मारती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है इस तरह के प्रश्न आपके पूछे नींबू में कौन सा अम्ल होता है जरा इन सबके नाम जरा बताओगे कमेंट में लिखकर बताओ और अगर बात करें सिरके की तो सिरके में क्या होता है यह आपको बताना है बताओ जरा हम्म यह क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड अगला कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है आर्गन हीलियम ही रेडॉन द नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज ऑर्गन और रेडॉन कैंसर के उपचार में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है एक है कोबाल्ट सिक्सटी इसका प्रयोग भी किया जाता है अच्छा बताओगे जरा क्या जो कोबाल्ट है यह किस विटामिन में मिलता है कोबाल्ट जो है यह किस विटामिन में इससे प्राप्त होता है जरा कमेंट में लिखकर बताओ देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आ रहे कुछ 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 ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है हाँ पर यह है कि किसी शिफ्ट में नहीं पूछे जा रहे हैं एक आध क्वेश्चन जो है किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है बाकी पूछे जा रहे है ना ऐसा नहीं छोड़ा आप कुछ नहीं सकते दो दो अगर एक अगर आप ऐसे दो दो तीन तीन नंबर छोड़ेंगे ना कि ये नहीं कर सकते वैसे अगर ना करके जाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक या दो ही क्वेश्चन आ रहा है पर पॉलिटी जरूर करके जाना क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहा है अब जो पूरा जो जीएस का सिलेबस है उसमें करंट अफेयर है बाकी के जी जीएस का पोर्सन बड़ा है तो अब हर चैप्टर से एक क्वेश्चन या हर सब्जेक्ट से पांच छह क्वेश्चन भी नहीं रख सकते क्योंकि क्वेश्चन भी आपके सिर्फ बी ही हैं, है ना तो उस हिसाब से देखना पर हाँ साइंस जरूर कर लेना और जो भी मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताया है चाहे वो आपके क्लासेस में हो या जो आपका आ, जो मैराथन कराया उसमें हो या जो जीएस का क्रैश कोर्स कराया उतना हो इतने में से अगर आप करके चले जाएंगे क्रैश कोर्स वगैरह में से तो आपके सारे क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे बाहर से कुछ नहीं आ रहा इतना ठीक है इतना कर लो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी यानी कि रेडॉन याद रखिएगा इसका अध्ययन ओनकोलॉजी में किया जाता है बी ट्वेल्व साइनो कोवा से जो है कोबाल्ट प्राप्त होता है तो ये आपका रखना निम्न में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है कांच इस बात सोडियम सीमेंटा फॉलेंगे प्योर लिमेंट ग्लास स्टील सोडियम और सीमेंट कौन सा जो है प्योर एलिमेंट है इसमें से ये आपको बताना है प्योर एलिमेंट प्योर कौन सा है ये हो जाएगा आपका सोडियम याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम उन दोनों को किसमें संग्रहित करते हैं मिट्टी के तेल में मिट्टी के तेल में जो है इन्हें संग्रहित किया जाता है तो यह आपको याद रखना वायुमंडल में कौन सी गैस किरणों का अवशोषण कर लेती है मतलब जब बाहर से सूर्य से जब किरणें जब गिरती हैं तो वायुमंडल में कौन सी गैस है जो उसे अवशोषित कर लेती है मतलब नीचे ही नहीं आने देती क्योंकि आएगी तो क्योंकि ये पूछा गया ना क्वेश्चन परावैग्निक किरणों के कारण शरीर में कौन सा रोग होता है तो त्वचा कैंसर हो जाता है कौन सा स्किन कैंसर स्किन रिलेटेड जो रोग हैं ये परावैग्निक किरणों के कारण हो जाते हैं तो ये आपको याद रखना और याद रखिएगा ये गैस है ओजोन देखो ज्योग्राफी ज्योग्राफी के हिसाब से भी याद रखना सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल फिर आपका समताप मंडल फिर आपका मंदमंडल फिर आयन मंडल फिर वायुमंडल अंग्रेजी में याद रखना तो याद रखिएगा ट्रोपोस्पियर स्ट्रेटोस्पियर मीजोस्पियर आयनोस्पियर और एक्जोस्पियर तो जो आपका स्ट्रेटोस्पियर है ना जो आपका समताप मंडल है उसके निचले हिस्से पर यह ओजोन गैस पाई जाती है ठीक है तो यह आपको याद रखना है चलिए अगला गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है प्रोपेन एथिलीन मीथेन ब्यूटेन व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस प्रोपेन एथिलीन मीथेन और ब्यूटेन क्वेश्चन है आपका फोर्टी क्या पूछ रहा है गोबर गैस का मुख्य घटक बताओ जरा क्या हो जाएगा ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन भी आपका पूछा question, मतलब थोड़ा अलग तरह से पूछा है, पर पूछा है। गोबर गैस बायोगैस और मीथेन जिसे बायोगैस कहते हैं जिसे मार्स गैस कहते हैं गोबर गैस कहते हैं प्रमुख घटक है आपका मीथेन अच्छा मीथेन का प्राकृतिक स्रोत क्या है कमेंट में लिखो मीथेन का प्राकृतिक स्रोत क्या है अगर कोई फसल है ऐसी जिसमें जो है मीथेन उत्पादित होती हो जिसका जिसकी खेती करने पर वो जो खेत है वो मीथेन का उत्पादक हो जाता है बताओ जरा कौन सी है निम्नलिखित में मतलब से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है मतलब बेहोश करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है जीनो नियोन हीलियम, आर्गन विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज फॉर क्रिएट एन अनकॉन्शियस बॉइड जीनोन हीलियम नियोन और आर्गन कौन सी नोबल गैस है क्या है नोबल गैस अच्छा कौन से समूह में है ये जो अक्रिय गैसे हैं नोबल गैसे है, उत्कृष्ट गैसे ये किस समूह में है कमेंट में लिखकर बताओ इसे क्या कहते हैं तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा फोर्टी 44 इसका जो सही जवाब है ये है आपका ए जीनोन कौन सी गैस जीनोन का ठीक तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन धान जो धान का खेत है वो और आर्द्र भूमिया जो आर्द्र भूमिया है वो ये दोनों जो है मा, आ, जो आपकी मार्थ फोर है, है मीथेन है इसके उत्पादक का प्राकृतिक स्रोत है सबसे अधिक उत्पादन होता है यहां से ठीक तो ये याद रखना बहुत बढ़िया अगला निम्नलिखित में से किसमें रेडियम की किसने रेडियम की खोज की क्यूरी एलबर्ट आइंस्टीन पावेल सिचलिंग और आर ए द फॉलोइंग दल्सो डिस्कवर्ड रेडियम मैरी क्यूरी एल्बर्ट आइंस्टीन पावेल सिचलिंग और आर ए मिल्लिकन बताओ जरा क्या हो जाएगा किसने जो है इनमें से रेडियम की खोज इनमें से किसने की है तो याद रखिएगा ये है आपका ए मैडम क्यूरी आइंस्टीन ने दिया है ऊर्जा e का मतलब इन्होंने कहा है कि ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है ये बस ट्रांसफर करती है एक एक जगह से दूसरी जगह में पहली बात दूसरी बात इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत भी दिया है ये आपको रखना बस कमेंट मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हाँ अच्छा एक चीज और जो आपको कमेंट में लिखकर बतानी है वो ये कि इन्हें नोबल पुरस्कार किसके लिए मिला इन्हें नोबल पुरस्कार जो है किस लिए प्रदान किया गया ये आपको बताना मैडम क्यूरी पहली एकमात्र महिला है जिन्हें दो बार नोबल पुरस्कार मिला शायद पुरुष भी है ये मतलब

और इकोनॉमिक्स मतलब छह क्षेत्रों में दिया जाता है जिसमें पीस जो है ये में दिया जाता है बाकी सब स्वीडन में स्थित स्टॉक हो, होम में दिए जाते हैं तो ये आपको याद रखना है है ठीक निम्न में से कौन सा तत्व तो नहीं है सोडियम कार्बन पानी और टिन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ये आपको बताना इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है तो याद रखिएगा पानी जो है इनमें से एलिमेंट नहीं है तो ये आपको याद रखना निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है पेट्रोल कागज लकड़ी प्लास्टिक बिच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगोएस्ट ए इग्निशन टेम्परेचर मतलब ज्वलन सबसे देर में कौन जलेगा इनमें से ये आपसे पूछ रहा है पेट्रोल पेपर बुर्ड और प्लास्टिक क्वेश्चन आपका फोर्टी एट बताओ जरा सॉरी जलेगा नहीं किसका ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर किसका सबसे कम है ये आपको बताना बताओ जरा क्वेश्चन फोर्टी एट पानी को थोड़ी पानी यौगिक है पानी क्या पानी यौगिक है।, है ना दो सम आ दो भिन्न अनुपातों में मिली हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या ही की तो है बढ़िया इग्निशन चलिए बहुत अच्छे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी अगला लोहे पर जंग लगाना ब्लैंक्स का एक उदाहरण है ज्वलंताप अच्छा बताओ जरा क्वेश्चन आपका फोर्टी एट बट बताओ फटाफट क्या पूछ रहा है पूछ रहा है आपका लोहे पर जंग लगाना किसका एक उदाहरण है बढ़िया क्या हो जाएगा लोहे पर जंग लगना उसे क्या कहते हैं क्षरण बाष्पीकरण ज्वलन और द्रवण मतलब इसमें क्या होता है ना जब लोहा जर, पे जब जंग लग जाती है तो आपने देखा होगा कि वो सफेद और भूरे रंग का जो है उस पर पाउडर सा बन जाता है ना तो याद रखिएगा ये हो जाता है आपका क्षरण इसे कहते हैं कोरेशन ठीक अगला अच्छा अगर बात करें लोहे पर जंग लगने की तो सबसे अधिक या तीव्रता से जंग जो है किस कारण उस पर लगती है कारण का मतलब है किस जल में जैसे मान लो शुद्ध जल है है ना वर्षा का जल है नॉर्मल वाटर है वो या समुद्र कहां से या किस प्रकार के जल में जो है इसमें जंग सबसे तेज लगेगी ये आपको बताना है। अच्छा निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है मैग्नीशिया मिल्क रबड़ रंगीन पत्थर और फोम विच ऑफ सॉलिड सोल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रबड़ कलर्ड स्टोन और फोम कौन सा एक ठोस सोल का उदाहरण है बताओ जरा ठोस सोल का उदाहरण से कौन सा है क्वेश्चन है आपका फिफ्टी बहुत अच्छे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रंगीन पत्थर क्या हो जाएगा कलर्ड स्टोन तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन आपका 51 वन आप सभी को क्लास को शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए और आप सभी को क्लास को लाइक करना है क्या करना है लाइक और शेयर आपको इस क्लास को करना है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अधिक से अधिक आपको इसे शेयर करना है अगला क्वेश्चन गन मेटल के मिश्रण धातु से निर्मित है कॉपर टिन जिंक कॉपर आयरन निकेल कॉपर जिंक लेड कॉपर लेड सिल्वर गन मेटल इज मेड ऑफ बिच एलॉय कॉपर टिन जिंक कॉपर आयरन निकेल कॉपर जिंक लेड और कॉपर लेड सिल्वर क्वेश्चन है आपका फिफ्टी बताओ जरा क्या हो जाएगा बहुत अच्छे क्या हो जाएगा संतोष बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका कॉपर टिन जिंक किसका कॉपर टिन और जिंक ठीक तो ये आपको याद रखना है अगला समुद्र के पानी में अगला क्वेश्चन लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है तो छरण का छरण का उदाहरण है और यार ये दोबारा हो गया छरण का उदाहरण है ये हो जाएगा आपका रंगीन पत्थर अच्छा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका फॉर्मूला कमेंट में लिखकर बताओ किसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला लिखो पीओपी का आपको लिखना है और आपको जिप्सम का लिखना है किसका जिप्सम का फॉर्मूला भी आपको लिखना है आपको बताना है कि जिप्सम से पीओपी कैसे प्राप्त किया जाता है अगला गन मेटल योजना कॉपर टिन जिंक ब्लीचिंग पाउडर में फिलिंदा बस ब्लीचिंग एडेंट विद्यमान होता है ब्लीचिंग पाउडर से आपका क्वेश्चन खूब पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन अभी आपके खूब पूछे गए हैं आपको बताना है क्या हो जाएगा बढ़े एम जी ओ एच का होल ट्वाइस अगर बात करें आपके ब्लीचिंग पाउडर की तो जो ब्लीचिंग पाउडर है पहले पी के बारे में बात करें पहले इसकी चलो इसी के बारे में बात कर लेते हैं अब ब्लीचिंग पाउडर में फिरिंदा ब्लीचिंग एजेंट है आयोडीन हाइड्रोजन ब्रोमीन और क्लोरीन कौन सा ब्लीचिंग के रूप में इसमें काम करता है तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन तो ये आपको याद रखना ये प्राप्त कैसे किया जाता है तो याद रखिएगा भुजे हुए चूने में ये भुजे हुए चूने का सूत्र है अगर इसकी क्रिया सी एल टू से कराए तो इससे प्राप्त होता है सी ए ओ सी एल टू तो ये आपको याद रखना साथ में प्राप्त होता है आपका एच टू ठीक है इसका उपयोग किसमें किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को तो याद रखिएगा इसका प्रयोग जो है यह ब्लीच वगैरह करने में किया जाता है चाहे रेसे हो कपड़े हो या धागे वगैरह हो उनका प्राकृतिक रंग छुट्टा कर उन्हें बिल्कुल सफेद करने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है अच्छा एक चीज और जो आपको यहां पर बतानी है यह बतानी है कि जो पीओ पी है इसे कहते हैं सी एसओ डॉट हाफ एच ठीक है यह प्राप्त किससे होता है यह जिप्सम सी से जो है जब इसे गर्म करते हैं तो इससे प्राप्त होता है यह होता है बेसिकली सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ और इसी से जो है यह प्राप्त होता है आपका सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ तो ये आपको याद रखना है। ठीक है अच्छा यहां एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो और क्या था? अच्छा ये हो गया पीओ हो गया जिप्सम हो गया ठीक है हाँ चलो ठीक अच्छा जो जिप्सम है ये सॉरी पीओपी जो है इसका प्रयोग क्यों कर, किसमें करते हैं तो याद रखिएगा जैसे जो आपका हाथ वगैरह टूट जाता है हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके जोड़ने के लिए बेसिकली क्या है ना उसे रोकने के लिए उसके ऊपर प्लास्टर के रूप में जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है साथ में जो जिप्सम है मूर्ति वगैरह बनाने में जो है उसका प्रयोग किया जाता है तो ये आपको याद रखना है अगला वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है आपको बताना वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल क्या जो है किया जा सकता है किस रूप में पेयजल के कीटाणु शोधन के रूप में पकाने में खटोर जल को नरम बनाने में एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पाद के तौर पर बॉसिंग सोडा कैन भी यूज अच्छा बॉसिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला या बात करें रासायनिक सूत्र की तो ये क्या हो जाएगा ये आपको बताना बताओ जरा बॉसिंग सोडा कैन बी यूज फॉर डिस्फंक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू कुक टू सॉफ्ट हार्ड वाटर एज अ होम केयर प्रोडक्ट एज अ नॉन टॉक्सिक इनग्रीडियंट क्वेश्चन आपका फिफ्टी सिक्स बताओ जरा क्या होगा बढ़िया एन ए टू सी ओ थ्री बहुत अच्छा क्या हो जाएगा एन ए टू सी ओ थ्री इसका प्रयोग जो है किस लिए करते हैं तो याद रखिएगा कठोर जल को नरम बनाने में किसका कठोर जल को जो है नरम बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है तो यह आपको याद रखना है ठीक अगला क्वेश्चन अच्छा पेयजल को कीटाणु शोधन के लिए मतलब जो पेयजल है जो जल है जल को कर शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है ठीक है भोजन पकाने में बेकिंग सोडा डाला जाता है जिससे कि वो जल्दी से पक जाए ठीक है राठौर अगला निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है चलो यही बता दो आ, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम पर मैगनेट क्लोरीन और एलम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम पर मैग्नेट क्लोरिन और एलम अच्छा एक बात बताओ अगर मतलब इसे ऐसे देखो जैसे कि जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं ना तो स्विमिंग पूल वगैरह में जो पानी होता है तो उसके कीटाणु वगैरह मारने के लिए यानी इस पानी को साफ करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है जरा कमेंट में लिखकर बताओ इसका सही जवाब कौन सा पानी की स्थायी कठोरता को यहां पर क्या किया तुमने यहां कठोर जल को नरम करने के लिए ठीक है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका 57 बताओ जरा किसका प्रयोग करेंगे वहां अगर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कर रहे थे तो यहां भी तो वही करेंगे सोडियम कार्बोनेट क्लोरीन का प्रयोग जो है इसे पानी को शुद्ध करने करते हैं तो जो आपने ना स्विमिंग पूल वगैरह उनमें क्लोरीन मिलाई जाती है जिससे कि जो जो है उसके जो है उसके कीटाणु वगैरह वो समाप्त हो जाए या फिर कई बार आपने नोटिस किया हो या आपके अगर सप्लाई जैसे दिल्ली वगैरह सप्लाई का पानी वगैरह आता है तो उस पानी में भी जो है उसे साफ वगैरह करने के लिए क्लोरीन की मात्रा जो है आती है जिससे कि पानी जो है वो सही रहे ठीक है अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपका निम्न में से किस में एमजीसीएल टू ब्ले हो जाता है एम जी सी एल टू ब्ले हो जाएगा इनमें से किस में यह आपको बताना है ठीक है मिट्टी के तेल में एसीटोन में पेट्रोल में जल में इन विच ऑफ दी सी एल टू सोलबल कैरोसिन एसिटोन पेट्रोल और जल अच्छा एक चीज और जो आपको बतानी है वो ये बतानी है कि अगर बात करें हम सफेद फॉस्फोरस की किसकी अगर बात करते हैं हम सफेद फॉस्फोरस की तो जरा कमेंट में लिखकर बताओ ये जो सफेद फॉस्फोरस है क्या है ये जो सफेद फॉस्फोरस है इसे किस में जो सफेद फास्फोरस है इसका संग्रहण किस में करते हैं ये आपको बताना ठीक है चलो फटाफट से बताओ ओके okay, ये क्या हुआ चलो बताओ फटाफट से क्या क्वेश्चन फिफ्टी एट MgCl2 टू का जो है इसका बिले किस में किया मतलब किसमें बिले हो जाता है पूरी तरह से इसका जो है बिले हो जाता है आपको बताना है किसमें ठीक है फटाफट से और क्लास को आप सभी लाइक जरूर कर दीजिए क्या करना है आप सभी को क्लास को लाइक करना है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और ऐसे आपको शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए कंजूसी ना करो लाइक करो और शेयर करो

sn uh, मतलब 10 au और pb लेड और औरम यानी कि आपका सोना आपको बताना है तांबे और जस्ता के साथ अगर का से बनाना हो तो इनमें से किसका जो किसे जो है मिलाया जाएगा ये आपको बताना है बताओ जरा अरे बुरी लग गई तो मैं तो यार ऐसा थोड़ी होता है चलो जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन है आपका 59 सही जवाब क्या हो जाएगा विनय पटेल <laughs> सर्फिंग ही कर लो तुम तो। क्या हो जाएगा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपका फिफ्टी नाइन और सही जवाब क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका बी यानी कि टिन ठीक अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर नरम आ, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है कौन सी धातु मतलब ये कह रहे हैं बेसिकली कहने है का मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है बस अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सोडियम लिथियम कैल्शियम और मरकरी बताओ जरा क्या हो जाएगा इनमें से कौन सी वह धातु है जो कमरे पर तरल रूप में होती है यह आपको बताना बताओ अच्छा एक व्यक्ति ने कारण बताया कि हमने क्लास को लैग नहीं किया क्यों चलो तुम्हारा कारण तुम्हारे पास क्वेश्चन पर ध्यान दो बाकी तो सब चलता ही रहेगा ठीक है तुम अलग ही न... धतरा कुछ बच्चे इसमें ऐसा लगता है मुझे धतूरा खा के आता है धतूरा मत खाया करो क्लास पर ध्यान दो पढ़ाई पर ध्यान दो वो ज्यादा जरूरी है ठीक है क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका पारा पारा क्या है पारा एक धातु है जो क्या करती है जो रूम हैचर पर जो है तरल अवस्था में रहती है अगर बात करें अधातु की किसकी अगर बात करें अधातु की तो याद रखिएगा इसमें है ब्रोमीन कौन सी ब्रोमीन अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर किस पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में किसमें लिक्विड फॉर्म में जो है रहती है तो यह आपको याद रखना है किसमें लिक्विड फॉर्म में अगला क्वेश्चन है सिक्सटी वन बढ़िया ठीक बहुत अच्छे अगला क्वेश्चन देखें नायरा निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है इनमें से कौन सा लचीला और कोमल है विजीत हिमेश चलिए बहुत अच्छे सावित्री बताओ जरा क्या हो जाएगा कनक कनक ते सौ मादकता दिखा है <laughs> अच्छा चलो आ, ये पैसे रिलेटिव नहीं है पर अगर तुमने ये बताया तो चलो तुम ही बताओ इसमें कौन सा अलंकार है चलो बताओ अगला निम्न में से कौन सा लचीला लची, और कोमल है सल्फर तांबा कार्बन और फॉस्फोरस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द्लेक्सीबल एंड सॉफ्ट सल्फर कॉपर कार्बन और फॉस्फोरस कौन सा लचीला और कोमल है अच्छा अच्छा एक बात बताओ कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं ये क्वेश्चन है ना कौन सी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं मतलब बिल्कुल सब्जी की तरह तुम तो उसे चाकू से काट सकते हो कौन सी है बताओ जरा इनमें से कौन सा लचीला और कोमल है क्वेश्चन है आपका 61 बताओ जरा क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह तो हो जाएगा आपका तांबा है ना तांबा बहुत लचीला होता कोमल होता है तो तुम हाथ से भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है याद रखिएगा सेकंड बेस्ट है ये विद्युत के चालक में सबसे पहला चांदी है पर चांदी महंगी होती है इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक बढ़िया अगला यमक अलंकार है चलो मान लिया यमक अलंकार है बहुत अच्छे आगे देखें आज जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या यह क्या कह रहा है यह कह रहा है भाई साहब देखो जिंक सल्फेट है अब इसमें तुम कॉपर और डुबो दे रहे हो तो बनेगा क्या पानी बन जाएगा कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी जिंक ऑक्साइड बन जाएगा या कॉपर सल्फेट बन जाएगा अब मेटल इन आ मिक्चर जिंक देन फॉर्म। नो रिएक्शन टेक प्लेस जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म और कॉपर सल्फेट इज फॉर्म क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है आपका सिक्सटी टू और आपको बताना है सही जगह सही जवाब इसका जो है क्या हो जाएगा बढ़िया क्या है क्वेश्चन है आपका 62 आपको बताना है, इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा 62 बढ़िया बहुत अच्छे क्या बन जाएगा यह बन जाएगा कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका एक मिनट क्या कॉपर जिंक को जो है रिप्लेस कर सकता है पहली बात यह क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर सकता है कमेंट में लिखकर बताओ जो क्रियाशीलता बताई थी जैसे पोटेशियम की सबसे ज्यादा है, फिर है आपके सोडियम की फिर आता है आपका कैल्शियम फिर आता है आपका मैग्नीशियम इस तरह से जो है आपको क्या बताई थी इस तरह से आपको क्रियाशीलता के बारे में बताया था याद है अच्छा मेरे को बस इतना बता दो कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपकी कॉपर जो आपका कॉपर है ये आ, क्या कर दे ये जो कॉपर है ये आ, जिंक को जो है रिप्लेस कर दे क्या ऐसा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता जब नहीं किया जा सकता तो कॉपर सल्फेट बन सकता है नहीं बनेगा कोई प्रतिक्रिया होगी ही नहीं क्या हो जाएगा थोड़ा कठिन क्वेश्चन कराइए दिया ना जा रहा ये पेश क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है वहां हाय तौबा मच रही है कि सर बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहा है क्या पूछा था कि कुछ नहीं ये पूछ लिया था कि एफ एसओ फोर के साथ अगर सीयू की क्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा तो क्या लगा क्या है सर जी कॉपर सल्फेट बन जाएगा इसका जवाब तो तुमसे दिया नहीं जा रहा और कठिन कराओ तुम्हारे लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी क्या हो जाएगा कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी अच्छा यहां पर अगर ध्यान दो तो याद रखो जैसे कि कुछ और है जैसे जो एम है एम के बाद आपका एल्यूमिनियम आ जाता है फिर आपका जिंक आ जाता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता ठीक है कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता मैग्नीशियम कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता जिंक एल्यूमिनियम को रिप्लेस नहीं कर सकता ठीक है इसके अलावा अगर बात करें तो अगर इसके आगे जाए तो यह क्या हो जाएगा लेड लेड किसे लेड जिंक को रिप्लेस नहीं करता इवन जिंक के बाद जो भी तत्व आएंगे वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकते इसका मतलब यहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी लेकिन लेकिन अगर यह होता सी फोर का मिश्रण होता और उसमें जिंक मिलाते तो जिंक इसे रिप्लेस कर देता क्योंकि यह अधिक क्रियाशील है अब क्रियाशील है किसके मुकाबले कॉपर के मुकाबले तो यानी कि यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका जेड एन एसओ फोर प्लस सी यू क्या हो जाता जेड एन एसो फोर प्लस सी यू तो यह आपको याद रखना है अगला पेप्सिन फिलिंडा ब्लैंक्स में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है यकृत आमाशय मुंह और गुर्दा पेप्सिन पेप्सिनोजन एंजाइम सिक्रेटेड इन लिवर स्टमक माउथ और किडनी आपको बताना पेप्सिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कहां पर जो है स्रावित होता है ठीक बताओ जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन आपका 63 अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा गया है कौन सा एंजाइम है जो एचसीएल की सहायता से पाचन का, का काम करता है बताओ जरा किसकी सहायता से या पाचन में HCL की सहायता करता है कौन सा पेप्सिन है कहां से होता है तो याद रखिएगा ये आमास से. कहां से कहा ऐसे ऐसा होता है स्टमक तो ये आपको याद रखना है अगला निम्न में से अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका माउथ था ऑप्शन में तो याद आया कि जो सिगरेट है ये शरीर के किस हिस्से को जो है प्रभावित करता है तो याद रखिएगा फेफड़े खराब कर देती है पर में जो आपकी ये श्वास नली है इसे गले को और जो आपके आहार नली है इन सबको जो है वो नष्ट ध्वस्त कर देती है तो ये आपको याद रखना है ठीक है निम्न में से कौन सा हारमोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है आपको जो युवावस्था में जब लड़के होते हैं तो उनमें जो है बदलाव आता है उनकी बॉडी में उसका कारण क्या है पशु हार्मोन थायरोक्सिन टेस्टेस्ट्रॉन और इंसुलिन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन को चेंज इन द दस सीन इन बॉयज ड्यूरिंग प्युबर्टी एनिमल हार्मोन्स थायरॉक्सिन टेस्टेस्ट्रॉन और आपका इंसुलिन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन आपका सिक्सटी फोर बताओ जरा बहुत अच्छे सुनी मिली सुनी मिली गाना बनवा दोगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जाएगा आपका सी यानी कि टेस्टेस्टर तो यह आपको याद रखना है अगला कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है मानव शरीर में तो कौन सी ग्रंथि है जो सिर्फ यौवन तक सक्रिय रहती है उसके बाद जो है ये आ, लुप्त हो जाती है शरीर में ही किसी ना किसी में जो है जुड़ जाती है आ, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है ना उसी के उपास जो है ये जुड़ जाती है बताना मतलब उसके साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ जाती है मतलब ये नहीं रहती कुल मिला के बॉडी में नहीं होती है कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय है उसके बाद ये सक्रिय नहीं रहती पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव ओनली टिल पुबर्टी पीनियल था और पिट्यूटरी और अधिक बताओ जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका सिक्सटी फाइव कौन सी तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका था क्या हो जाएगा थामस तो ये आपको याद रखना है अगला अच्छा से याद आया ये बताओ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड जो है ये किसे कहा जाता है और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये किसे कहते हैं बताओ वाले पहले जमीनी पौधे कौन से थे सबसे पहले जमीनी पौधे जो इनके पास सम्मानी उतक थे वो कौन से थे ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा, सेवाल टेरिडोफाइटा। द फर्स्ट लैंड प्लांट्स विद बेस्कुलर टिश्यू बर ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा एल्गाई और आपका टेरिडोफाइटा बताओ जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन सम्मानी उतक वाला बाले पहले जमीनी पौधे जो है इनमें से कौन से थे क्वेश्चन आपका 66 तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका टेरिडो फाइटा मास्टर ग्लैंड की बात करें तो ये है पिट्यूट्री ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड की बात करें तो ये हो जाता है हाइपोथेलेमस ठीक चलो अगला शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित तो होती है मतलब जब शुक्राणु और युग्मज जो है मिल जाते हैं इससे मिलकर बनता है जायगोड यानी कि युग्मज ये कौन सी प्रक्रिया है विखंडन निषेचन तक संवर्धन लैंगिक प्रजनन विद प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ स्पर्म एंड गेमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेशन फर्टिलाइजेशन टिश्यू कल्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वेश्चन क्या है सिक्सटी सेवन बताओ जरा बहुत अच्छे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लैंगिक प्रजनन तो ये आपको याद रखना है क्या लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक अगला शुक्राणुओं का निर्माण फ्रेंदा ब्लैंक्स में होता है मूत्र वाहिनी ब्रसण प्रोटेस्ट ग्रंथि और अंडकोश की थैली स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन यूरेट्रस टेस्टिस प्रोस्टेस्ट ग्लैंड और सैक्रोटम आपको बताना क्या हो जाएगा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है आपका 68 बढ़िया क्या हो जाएगा शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है तो याद रखिएगा यह होता है आपके भ्रषण में कहां पर में होता है तो कहा आपको याद रखना यानी कि टेस्टिस में जो है स्पर्म का जो है क्या होता है स्पर्म जो फॉर्मेशन है वो आ, बनता है कहां पर टेस्टिस में या भ्रषण में तो यह आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन फिरिंद अबलैंग सम्मनीक वाले पहले जमीनी पौधे कौन से थे ब्रायोफाइटा थेलोफाइटा यार

इनमें से किस चीज का जो है जो सहवाल समुद्र में पाए जाते हैं वो एंडलेस है मतलब उसका अंति नहीं है वो बहुत मतलब जरूरत से ज्यादा जो है इसे उत्साह कर सकते हैं कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है क्वेश्चन है आपका सेवेंटी टू बताओ जरा क्या हो जाएगा बहुत अच्छे क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए मीथेन जिसे मार्स गैस कहते हैं ठीक है तो ये आपको अच्छा अगर यह पूछा जाए आपसे महासागरीय जो पारिस्थितिक तंत्र महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र ठीक है यह कैसा होता है सीधा होता है ये कैसा सीधा है सीधा होता है या उल्टा होता है कैसा होता है यह आपको कमेंट में लिखकर बताना क्वेश्चन है आपका सेवेंटी थ्री देखो बिक्की बिना क्वेश्चन क्या है बास्पो ब्लैंक्स के द्वारा होता है रंध्र बहा त्वचा सम्मानी बंडल और आवरण ट्रांस ट्रांसप्राइजेशन ट्रांस अच्छा सॉरी ट्रांसपाइशन टेक्स प्लेस बाय स्टोमा स्टोमा एक्सटर्नल वैस्कुलर बंडल और आपका कवर देखो संभान से याद आया एक क्वेश्चन जो आपके पहले फेस और दूसरे फेस में खूब पूछा गया है इवन तीसरे फेस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए वो है संवहनी ऊतकों किस से किससे संवहनी ऊतकों से जिनमें से एक है आपका फ्लोएम और एक है आपका जाइलम क्या है एक है फ्लोएम और एक है जाइलम याद रखिएगा जो जाइलम है ये संवहन करता है, तो है।, है। किसका किस जल तो का, का, का तो ये आपको याद रखना है छोटी सी चीज है पर याद रखो फ्री के नंबर है ये फिर से पूछेगा टिक मार देना आराम से ठीक है फ्लोएम किसका करता है तो याद रखिएगा खाने का या कहें खाद्य पदार्थों का तो ये आपको याद रखना है साथ में याद रखिएगा जो फ्लोएम और जाइलम है ये जटिल संवहनी ऊतक है कैसे है? ये हैं यह है जटिल संवहनी ऊतक जटिल संवहनी ऊतक क्या है यह है जटिल संवहनी ऊतक तो यह आपको याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपके स्टोमा यानी रंध्र से किससे रंध्र या स्टोमा तो यह आपको याद रखना प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद क्या है अच्छा कमेंट में प्रकाश संश्लेषण की मुणारे? रासायनिक अभिक्रिया लिखकर बताओ प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया यह क्या करना है यह आपको लिखकर बतानी अच्छा कमेंट में लिखकर बताओ जब पौधे श्वसन करते हैं तब कौन सी गैस छोड़ते हैं जब पौधे श्वसन करते हैं तब कौन सी गैस छोड़ते हैं यह आपको कमेंट में लिखकर बताना ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन ग्लूकोज ऑक्सीजन स्टार्च ऑक्सीजन स्टार्च जल और ऑक्सीजन व्हाट आर द प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज वाटर ऑक्सीजन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन स्टार्च एंड ऑक्सीजन स्टार्च वाटर एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ये आपको बताना बताओ जरा क्या हो जाएगा <laughs> वो मुझे लगता है अधिकतर जगह हो रही है ध्यान रखो चीजों का ज्यादा जरूरी है ठीक बढ़िया सुमात्रा आदेश बहुत अच्छे क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा जैसे आ, अगर इसके लिए रिएक्शन अगर देखी जाए तो जैसे सिक्स सीओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू याद रखना यहां पर प्रकाश की उपस्थिति रहती है प्रकाश इसमें भाग नहीं लेता यह उपस्थित रहता है ठीक है और क्लोरोफॉर्म ये दोनों उपस्थित रहते हैं इनकी उपस्थिति में यह होता है तो यह आपको याद रखना यह भाग नहीं लेते बनता क्या है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ऑक्सीजन और प्लस जल क्या बनता है यह हो गया आपका ग्लूकोज ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन क्या बनेंगे ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन और प्रकार जब पौधे श्वसन लेते हैं तब यह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं याद रखना जब पौधे श्वसन लेते करते हैं तो ये क्या करते हैं ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे छोड़ते हैं तो ये आपको याद रखना इसीलिए कहते हैं रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए दम घुटने जैसा लगता है ऐसा नहीं होता कि पेड़ों पर भूत है ऐसा होता क्योंकि वो ऑक्सीजन तुम्हें भी ऑक्सीजन चाहिए पेड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए पेड़ को ऑक्सीजन छोड़ लेता तुम तो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है दम घुटने लगता है, है ना महसूस होता है घुट नहीं लगता मतलब महसूस होता है ऐसा ठीक ओटू का उपयोग करके पायरुबेट का विभाजन में होता है लाइसोसोम नाभिक और रिक्तिकाएं स्प्लिटिंग ऑफ यूजिंग टेक प्लेस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस और रिक्तिकाएं आपको बताना है अच्छा जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्या कहते हैं कोशिका का पावर हाउस जो है इसे कहा जाता है तो यह आपको याद रखना कमेंट में लिखकर बताओ आत्महत्या की थैली किसे विभाजन है? है, है, तो है क्या इसका जो विभाजन है यह किसमें होता है तो याद रखिएगा मतलब ओटू का उपयोग करके पायरुबेट का विभाजन माइक्रोकॉन्ड्रिया में करते हैं तो यह आपको याद रखना है, ठीक है अगला एंटीबायोटिक फिलिंदा कबक से प्राप्त किया था अच्छा एक चीज और इसी से याद आया माइट्रोकोड्रिया से रियोटिक कोशिका के बारे में जो है पूछा गया पूछा गया गया था था क्वेश्चन आपसे कि इसके लिए कौन सा सही नहीं है देखो आ, उसके लिए आंसर था कि इसमें क्या नहीं होता एक तो इसमें स्पष्ट इस केंद्रक नहीं होता ठीक है याद रखिएगा इसमें अंतहा द्रव्य जलिका माइट्रोकोन्ड्रिया है ना और आपका लयन काय केंद्रक ये सब चीजें नहीं पाई जाती याद रखिएगा इसे एक ये एक कोशिका भी होता है और इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं तो ये आपको याद रखना ठीक है आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को तो ये भी आपको याद रखना अच्छा ये बताओ ग्रेब यार्ड ऑफ ब्लड किसे कहते हैं ग्रेब यार्ड ऑफ ब्लड जो है किसे कहा जाता है बताओ जरा रक्त का कब्रगा किसे कहते हैं ये आपको बताना बताओ जल्दी से ठीक है एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक्लेक्स कबक से प्राप्त किया जाता है नियोमाइसिन एरिथ्रोगाइसिन एंटीबायोटिक आर ऑप्टेन फ्रॉम फ्रिंदावलैक्स फंगस नियोमाइसिन पेनिसिलिन और, Erith fungus, Neomycin, और आपको बताना क्या हो जाएगा क्वेश्चन है आपका सेवन सिक्स बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा स्प्लिन को कहते हैं बहुत अच्छे किसे कहते हैं स्प्लिन को कहा जाता है तो ये आपको याद रखना है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पेनिसिलिन क्या हो जाएगा पेनिसिलिन जो है एंटी जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन का बक्से प्राप्त होती है तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपका दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था नॉर्मन समबे क्रिस्टियन बर्नार्ड निकोलाई सैनिटिन और जेम्स हार्ड वाट डेड द बर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट आ, मतलब किसने किया था कौन है जिसने सबसे पहले मानव जो हृदय का जो प्रत्यारोपण है सबसे पहले किया है किसने प्रकारोजा बहुत अच्छे अच्छा एक बात बताओ एक दवा का नाम है क्लोरोक्वीनोन कौन सी क्लोरोक्वीनोन कमेंट में लिखकर बताओ जो क्लोरोक्विनोन है इसका उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है कोविड नाइनटीन में यह बड़ा जो है चलन मतलब मतलब ये इसकी मांग बहुत ज्यादा थी किसमें किया जाता है यह आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका क्रिस्टीनियन क्रिस्टियन बर्नार्ड तो यह आपको याद रखना है ठीक अगला निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से यह आपको बताना है असाल मोन सालमोनेला राइबोजियम इकोली और सूडोमोनास ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दाइट्रोजनिया मतलब आधा लावल ला वो और राइबोजियम इकोली और स्यूडोमोनास क्या हो जाएगा ये आपको बताना है अच्छा इस बार विटामिन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा अब तक उम्मीद है फेज फोर में पूछे जाएंगे तो एक बार विटामिन को हम दोहरा लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है कमेंट में लिखो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है कमेंट में लिखो बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम कमेंट में लिखो सी का रासायनिक नाम कमेंट में लिखो डी का भी लिखो और ई e का किसका और ई e का जो नाम है ये भी कमेंट में लिखना है साथ में आपको के का नाम जो है ये भी कमेंट में लिखना है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन आपका सेवेंटी एट बताओ जरा सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन से एड निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये बताओ और साथ में ये बताओ इसका हो जाएगा आपका राइबोजियम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राइबोजियम तो ये आपको याद रखना है ठीक है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बहुभिखंडन प्रदर्शित करता है ईस्ट हाइड्रा प्लाज्मोडियम प्लानेरिया इनमें से कौन सा बहुभिखंडन प्रदर्शित करता है इनमें से कौन सा एक है जो पुनरुत्पादन मतलब पुनर्भवन यानी कि दोबारा से कहीं से भी काटो पीटो दोबारा से बन जाता है कहने का मतलब ये इन्हीं में से बताना है जैसे मान लो ये एक है जिस जीव के हम बारे में बात कर रहे हैं यह इसकी आंख है और ये इसका पूरा शरीर है अगर इसे बीच से काटा जाए तो जो ऊपर का हिस्सा है यह ऐसा ही रहेगा इसे बीच से काटा था लेकिन नीचे का हिस्सा धीरे धीरे अपने आप बन जाएगा भाई जो नीचे का हिस्सा है यह रहेगा और ऊपर का मतलब नीचे का हिस्सा तो रहेगा ही जो काटा हुआ है पर यह अपने ऊपर का हिस्सा भी जो है फिर से बना लेगा तो इस जीप को क्या कहते हैं यह आपको बताना है इसका जो सही जवाब है जो बहुविखंडन को जो है बताता है इसमें यह है प्लाज्मोडियम यह बहुविखंडन को दर्शाता है जिस जीप के बारे में मैंने बात की है ये है प्लेनेरिया क्या है ये है प्लेनेरिया तो ये आपको याद रखना है ठीक है अगला क्या पूछ रहे किसी ने पूछा बताइए ना तो मतलब क्या क्वेश्चन है ना? पूछो मैं देख रहा हूं और बताओ जल्दी जल्दी को फटाफट क्या ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इनमें से जो ब्रेड है इसे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ब्रेड नहीं है ब्रेड है विटामिन ए रेटिनॉल बी वन थामिन बी टू साइनोकोवालिन सी आर एस्कॉर्बिक एसिड डी कैल्सीफेरॉल ई टोकोफेरॉल और के आ फिलोक् तो ये आपको याद रखना है ठीक है बढ़िया सर क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन पूछने वाला ही गायब है बहुत बढ़िया ठीक है बताओ जरा ब्रेड के लिए ब्रेड बनाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग जो है ये ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है ये आपको बताना है बताओ जल्दी से बढ़िया <laughs> यह सवाल है तुम्हारा चलो कोई नहीं क्या हो जाएगा किडबन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं किडबन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता इसे स्वादिष्ट बना देता है और संरक्षक सरक्षा प्रिजर्वेटिव प्रिजर के रूप में कार्य करता है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है इसका काम क्या है यह आपको बताना है ईस्ट का काम क्या है यह आपको बताना है जो ब्रेड बनाने में काम आता है ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें यह किस तरह से काम करता है ये आपके एग्जाम मतलब तो पूछेगा पूछ रहा है क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये किडबन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है किसके लिए फर्मेंटेशन के लिए जो है ये एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है खमीर यानी कि ईस्ट अगला तंत्र का आवेग की प्रकृति होती है विद्युतीय रासायनिक भौतिक और विद्युत रासायनिक द नेचर ऑफ नर्व पल्स इज इलेक्ट्रिकल केमिकल फिजिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अच्छा एक चीज और बताओ न्यूलैंड के स्टेक नियम से बताओ याद रखिएगा 1867 में इन्होंने जो है नियम दिया था इसका पहला तत्व तो कौन सा है और अंतिम कौन सा है इसका पहला तत्व तो कौन सा है और अंतिम तत्व कौन सा है मैंडलीव का ये आपको बताना है अच्छा एक चीज और जो क्वेश्चन आपका आवरसारणी से पूछा गया था मतलब पूछे तो बहुत से गए पर जो आपको याद रखना है एक क्वेश्चन था कि जो मैंडलीव है क्या है जो मैंडलीव है इनकी आवर्सारणी फेल क्यों रही क्यों इनकी आवर्षारणी फेल हो गई ये आपको बताना है बढ़िया क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा तंत्र का आवेग का जो तंत्रिका आवेग जो है इसकी प्रकृति जो है कैसी होती है तो याद रखिएगा ये होती है विद्युत रासायनिक कैसी वैद्युत रासायनिक तो ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए

टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी अच्छा आब्रत बीजी और अनाबृत बीजी में क्या अंतर है आब्रत बीजी और बीजी में क्या अंतर है आपको कमेंट में लिखकर बताना बताओ जरा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी यानी थैलोफाइटा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा बी थैलोफाइटा तो, तो यह आपको याद रखना है अगला जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रेखा नहीं होती वे फिलिंदा समूह में आते हैं जिम्नोस्पर्म, क्लियरली डिफ्रेंसिएट बॉडी डिजाइन कम इन द ग्रुप ऑफ किस ग्रुप में ये आते हैं ये आपको बताना है ठीक है बताओ जरा क्या हो जाएगा किसके अंतर्गत ये आते हैं ये आपको बताना है। दो बजे वाली क्लास होगी अभी दो बजे थोड़ी हैं दो बजे वाली क्लास होगी दो बजे वाली क्लास में आना जरूर दो बजे वाली क्लास आपकी एस एस की क्लास है साथ में याद रखिएगा कल सुबह ग्यारह बजे आपकी यूपी ट्रिपल एस पैट के लिए क्या है मैराथन है क्या है यूपी ट्रिपल एस पैट के लिए मैराथन है तो इस क्लास के साथ भी आपको जुड़ना है ठीक है बढ़िया बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी थैलोफाइटा तो ये आपको याद रखना है। ठीक अगला क्वेश्चन परसों आपकी करंट अफेयर की मैराथन है मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है प्लेनेरिया प्लाज्मोडियम अमीवा यीस्ट मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रो बर्डिंग टेक प्लेस इन प्लेनेरिया प्लाज्मोडियम अमीवा और ईस्ट मतलब खमीर किसमें होता है ये आपको बताना क्वेश्चन आपका एट्टी फोर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी प्लाजमोडियम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक मुकुलन सॉरी ये ईस्ट है क्या है? मुकुलन जो है ये ईस्ट सॉरी डी ईस्ट में जो है अब मुकुलन होता है ठीक अगला, अगला पीलिया किससे संबंधित रोग है गुर्दे से अग्न्याशय से यकृत से और ग्रहणी ड्यूनिनम से आ मतलब ग्रहणी और ये ब्रैकेट में ड्यू नम ठीक है जॉन्डिस इज आर डिसीज रिलेटेड टू किडनी फ्रॉम द पेन क्रियास लिवर और अ क्या डिओडिनम किससे संबंधित ये रोग है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना बताओ जरा किससे संबंधित रोग है कौन सा पीलिया बहुत अच्छे किससे संबंधित रोग है ये है आपके लीवर से अच्छा एक जवाब दो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है एक और सबसे बड़ी अंतास्त्रावि ग्रंथि कौन सी है सबसे बड़ी अंता स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है इसका आपको जवाब देना है बताओ जरा

सी की कमी से होता है इस भी याद रखिएगा ठीक है बढ़िया सेकंड है लिवर थायराइड है था ग्रंथि और लिवर है सबसे बड़ी आ, सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की याद रखिए अच्छा ये बताओ मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है और सबसे मजबूत हड्डी मानव शरीर की कौन सी है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा आपका क्वासी कर क्या हो जाएगा सी और कर तो यह आपको याद रखना पेलाग्रा बी थ्री न्यासिन की कमी थीक से होता है ठीक है अन्य किस कृमि के कारण फील होता है फील क्या होता है फील में जो पैर है ना हाथी की तरह हो जाता है जैसे मान लो किसी का पैर ऐसा है पर जो तलबा वाला जो हिस्सा है वो कुछ यूं है ये क्या है ये है फील पाव क्या है यह फील पाओं ये कृमि के कारण होने वाला रोग है किसके कारण होने वाला रोग है कृमि के कारण होने वाला रोग है आपको बताना है किससे होता है गोल कृमि फाइलेरिया कृमि सूची कृमि या केचुआ किसके कारण जो है ये रोग होता है ये आपको बताना है कान की हड्डी जो स्टेपीज है ये सबसे छोटी हड्डी है तो ये आपको रखना इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भी फाइलेरिया कृमि क्या हो जाएगा फाइलेरिया कृमि तो ये आपको याद रखना है सबसे मजबूत होता है जबड़ा ये जो है ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है ये आपको याद रखना पर मैंने हड्डी पूछी है हिस्सा नहीं ठीक है बढ़िया अगला क्वेश्चन हीमोफोलिया किसका एक उदाहरण है कमी के कारण रोग होता है ये आनुवांशिक रोग है संक्रामक है व्यवसाय संबंधी रोग है हीमोफोलिया इज एन एग्जांपल ऑफ डिसीज ड्यू टू डिफिशियंसी जेनेटिक डिसीज इन्फेक्शन डिसीज और ऑक्यूपेशनल रिएक्शंस डिसीज क्या हो जाएगा ये आपको बताना अच्छा एक चीज और जो आपको कमेंट में लिखकर बतानी है वो ये कि जो वर्णांधता है कलर ब्लाइंडनेस कौन सी कलर ब्लाइंडनेस ठीक है किस प्रकार का रोग है ये और किस लेंस से ये रोग सही हो सकता है मतलब जो वर्णांधता है इस रोग को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता पड़ेगी ये आपको बताना है ठीक है फीमर जांग की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है ठीक है अच्छा अगर बात करें हिमोफीलिया ये क्या है ये एक आनुवांशिक रोग है कैसा है जेनेटिक डिसीज है ये आपको याद रखना है ठीक चलिए अगला और ये भी एक जेनेटिक है याद रखिएगा कौन सा वर्णंता बस मुझे यह जानना है कि कौन सा लेंस का प्रयोग करके इसे सही किया जा सकता है नन कोई भी नहीं ठीक घेंगा फिलिंदा ब्लैंक की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी दोषपूर्ण वृद्धि हार्मोन आयोडीन की कमी ज्यादा खा लेना थायरोक्सिन का अधिक श्राप आ, गाय, आ, जो घेंट इज जाएगा घेंगा फिलिंदा, फिलिंदा ब्लैंक्स की वजह से उत्पन्न होने वाला रोंगा जो घेंगा क्यों होता है अच्छा किसकी कमी से होता है ये बताओगे अच्छा वो भी इसी में दिया ही हुआ है तो पूछने का मतलब नहीं है ठीक है बताओ जरा क्या हो जाएगा आयोडीन की कमी से है ना अगला क्वेश्चन जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन सा प्रदूषकों से मिनीमाटा रोग होता है ए साल्मोनी साल्मोनीला ए मिथाइल मरकरी लेड सीसा और परक्लोरेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स फाउंड इन वाटर कॉज मिनीमाटा डिजीज ए साल्मोना साल्मोनीला ए मिथाइल मरकरी लेड और मतलब ये ये लो और ट पर क्लोरेट क्या हो जाएगा ये आपको बताना क्वेश्चन है आपका नाइन सही जवाब क्या होगा बताओ फटाफट बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी पर क्लौरेट. क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी यानी कि पर तो ये तो या आपको सॉरी यार मिनिमाटा जो है ये मिथाइल मरकरी के कारण होता है किसके कारण मरकरी से होने वाला रोग है मिनी माटा अच्छा इसी के तरह का एक रोग और है इटाई इटाई जैसे हम हिंदी में कहते हैं उई उई मतलब चोट लगती है तो या जब भी कुछ होता तो करहाने की बात आती है ना तो उई उई करके करते तो इसी तरह का ये जैपनीज वर्जन है इटाई इटाई किस की कारण जो है ये रोग होता है बताओ किसके कारण जो है ये रोग होता है इटाई आपको होता है ना मरकरी के कारण होता है कौन सा मिनीमाटा रोग ठीक है अच्छा एक रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम कौन सा ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम कमेंट में लिखकर बताओगे यह किस कारण होता है बढ़िया कैडमियम के कारण होता है ये बिल्कुल सही है जापानीज है तो नहीं हंसने वाली बात नहीं है वो जब जैसे कि हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती है उसमें तो जब उठते बैठते ना तो बहुत तेज दर्द होता है तो वो बोलते हैं इटाई इटाई मतलब उनका उई उई वही है <laughs> तो मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो वो जो रोग है ना उसका नाम ही यही पड़ गया ठीक है बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है है चेचक किस वायरस के कारण होता बेस्ट नाइल और 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 हर्पस स्मॉल पॉक्स इज कॉज बाय बिच वायरस क्वेश्चन है आपका 91 आपको बताना है सही जवाब इसका क्या हो जाएगा पूछ रहा है चेचक किस वायरस के कारण होता है अच्छा एक बात बताओ बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं जरा बताओ है ना वायरस के कारण होने वाले रोग कौन कौन से है? कमेंट में लिखकर बताओ और फंगस के कारण होने वाले रोग कौन कौन से है? इन तीनों के कारण होने वाले रोगों के बारे में बताना है बताओ जरा क्वेश्चन है आपका 91 और सही जवाब क्या हो जाएगा तो यह बेरिसोला कौन सा बेरिसेला का, के कारण जो है चेचक का रोग जो है ये होता है तो ये आपका स्मॉल पॉक्स से कहते हैं ओटीसी दवा क्रोसिन एक फिलिंदावलैक्स दवा है दर्दनाशक ज्वारनाशक दर्दनाशक ज्वारनाशक रोगाणुनाशक ओटीसी ड्रग रोसिन इज अ पेन किलर एंटीपायरेटिक एंड एंटीपायरेटिक मतलब कुल मिला के यही है पेन किलर और एंटी माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल क्या हो जाएगा ये आपको बताना क्रोसिन जो है ये किस प्रकार की दवा है ये आपको बताना है और एक बात याद रखिएगा कल आपकी 11 बजे जो है पेट के लिए किसके लिए यूपी पैट के लिए जो है मैराथन है तो इस क्लास के साथ जुड़िए एक क्लास है आपकी परसों ये मैराथन है ठीक है क्या है मैराथन और एक क्लास कब है एक क्लास है आपकी परसों करंट अफेयर की मैराथन किसकी करंट अफेयर की मैराथन जो है है तो ये आपको याद रखना इन दोनों क्लासेस के साथ आपको जरूर जुड़ना है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दर्दनाशक और ज्वारनाशक दोनों है क्या पेन किलर भी है और बुखार वगैरह में प्रयोग की जाती है नंद अच्छा ठीक निमोनिया टिटनेस तपेदिक डायरिया प्लेग बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं ठीक है दांत कागज खुजरी फंगस से होने वाले रोग हैं वायरस से होने वाले रोग वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं टेक। चलो अगला आमतौर पर वर्णान कलर ब्लाइंडनेस क्या है एक अनुवांशिक प्रकृति है एक गैर अनुवांशिक स्थिति है अजीवन शैलीगत बीमारी प्रकाश में अना प्रकाश में अनावरण के कारण होती है जनरली व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक नेचर आ नन जेनेटिक कंडीशन लाइफ स्टाइल डिसीज और ड्यू टू एक्सपोजर टू लाइट क्या है यह आपको बताना क्वेश्चन है आपका नाइनटी थ्री कोविड नाइनटीन वायरस से हुआ है एचआईवी वायरस से होता है बढ़िया है ठीक है मतलब एड्स जो है वो वायरस के कारण होता है है वायरस वो ह्यूमन सॉरी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंस एच एक चीज़ और एचआईबी से याद आई कमेंट में लिखकर बताओ एड्स की फुल फॉर्म और एचआईवी की फुल फॉर्म क्योंकि दोनों पूछी गई हैं बेसिकली एड्स की तो पूछ ही ली है की पूछ लेगा नहीं पूछिए तो पर दोनों चीजें आपको लिखकर बतानी क्या है ये जो है एक आनुवांशिक प्रकृति है अनुवांशिक रोग है इसमें होता क्या है इसमें जो रोगी है वो कुछ प्राकृतिक रंगों को पहचानने में दिक्कत देता है जैसे कि रेड नहीं पहचान पाता वो ग्रीन नहीं पहचान पाता जो बेसिक रंग है ना उन्हें पहचानने में उसे दिक्कत होती है ठीक अगला पौधे जिनके बीजों में बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है मक्का पैफियो पेलीडम पेडिलम घास और दुई बीज पत्र पौधे दोज एंजियो स्पर्म प्लांट हुव टू कोटली डंस आर कॉल्ड मेज पैफियोडिलम ग्रास और डायकोटलीडोनस प्लांट्स क्या हो जाएगा या जिनमें दो बीज पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा इन्हें कहा जाता है दुई बीज पत्री पौधे क्या कहते हैं दुई बीज पत्री देखो अनावृत बीजी और आवृत बीजी तो अनावृत बीजी जो है वो जिनके बीज जो है यह खुले अवस्था नगर अवस्था में पाए जाते हैं मतलब बाहर ऐसे पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी बीजी हैं, जो आवरण के अंदर जिनके बीज जो है आवरण के अंदर या फल के अंदर पाए जाते हैं उसे कहते हैं ठीक तो है तो आपको रखना टमाटर क्या है सब्जी फल फली और खाद्य प्याज पूछा तो ये क्या है अगर आलू पूछा जाए तो यह क्या है बताओ प्याज आलू सलजम क्या है गाजर क्या है बताओ जरा यह क्या है टमाटर क्या है फ्रूट है वेजिटेबल है फल यानी पोर्ट्स है या, पोर्ट या एडिबल स्ट्रीम है है क्या ये ये आपको बताना बताओ जरा फ्रूट है बहुत अच्छे क्या है ये है फ्रूट तो ये आपको रखना अगला क्वेश्चन 96 सिक्स अब मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोसिया नर क्यूलेक्स नर एनाफिलिस मादा एनाफिलिस और मादा क्यूलेक्स द प्राइमरी होस्ट ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इज मेल क्यूलेक्स मेल एनोफिलीन और फीमेल एनाफिलिस फीमेल एनाफिलिस और फीमेल क्यूलेक्स मलेरिया परजीवी मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है मतलब किसमें यह पाया जाता है कौन इसका बाहक है यह आपको बताना है। आलू तना है प्याज प्याज क्या है प्याज जड़ है है ना और गाजर वो भी जड़ है सलजम भी जड़ है ठीक है बहुत बढ़िया ये क्या है ये है मादा एनाफिल क्या है यह है मादा एनाफ्रीज एक तो एनाफ्रीज ऊपर से मादा खतरनाक चीज है ठीक है अगला क्वेश्चन ब्लैंक्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है मलेरिया पीलिया एड्स टाइफाइड ब्लैंक्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मलेरिया जॉन्डिस एड्स और टाइफाइड कौन सी एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है ना आपका नाइनटी सेवन बढ़िया भाग रहे हंसदा बहुत अच्छे क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा पूछ रहा है कौन सा यौन संचारित रोग है तो यह है आपका एड्स क्या है एड्स एड्स की फुल फॉर्म क्या है एड्स की फुल फॉर्म क्या है कमेंट में लिखकर बताओ यह एच के कारण होता है ठीक है अगला क्वेश्चन ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है विटामिन की वजह से की कमी की वजह से होता है मस्तिष्क का कैंसर है प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ऑकर ड्यू टू विटामिन ब्रेन कैंसर ओकर ड्यू टू एक्सपेंसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन क्वेश्चन क्या है, है आपका 98. बताओ क्या हो हाँ, मेरी अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो तुम चाहो कि मैं सिर्फ अंग्रेजी में तुम्हें पढ़ा दूं तो संभव ही नहीं है क्योंकि बस वो है सरकारी स्कूल वाले बच्चे जो है प्रॉपर अंग्रेजी में पढ़ा सके चांसेस कम ही होते हैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं बहुत से हैं जो बहुत अच्छी जगह पर हैं <coughs> मैं बस अपनी बात कर रहा हूं ठीक है बढ़िया तो मेरी अंग्रेजी ठीक है पर ऐसी नहीं है कि मैं तो प्रॉपर अंग्रेजी में ही पढ़ा सकूं है ना चलो बताओ ल्यूकेमिया क्या है ये एक सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है क्या है सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है तो यह आपको याद रखना यह होता ना वाइट ब्लड सेल्स जो है यह मल्टीपल टाइम जो है क्या होता है यह ना जो डिवाइड जैसे इनका डिवाइडेशन का ना एक प्रोसेस है मतलब इस टाइम में होती हैं थोड़ी थोड़ी करके ये ना बहुत जल्दी जल्दी जब ये डिवाइड होने लगती हैं दो की चार चार की आठ आठ की बार इस तरह से जब होने लगती हैं तो आपको कैंसर होता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं ये आपको याद रखना है ये वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है ठीक है एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो सिंड्रोम है ये एड्स की फुल फॉर्म है ठीक है तो ये आपको याद रखना है अगला पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है प्रोस्टेट भ्रष्ट बास डिफरेंस और बीर पुटिका अट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन अ मैन पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है यह आपको बताना है किसमें पुरुष में, में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है यह आपको कमेंट में लिखकर बताना बताओ सर तो आपके लिए ये नीचे अंग्रेजी है ना ये अंग्रेजी पूरी तरह से सही है मैंने चेक किया बाकायदा टेंशन ना लो ये जो ऊपर हिंदी में लिखा है ना सेम चीजें नीचे अंग्रेजी में लिखी हैं तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मैंने एक भी हिंदी का शब्द जो है मतलब इस तरह से नहीं बोला कि उत्कृष्ट टाइप के शब्द बोले हूं तो ऐसा नहीं बोला नॉर्मल हिंदी है कोई भी समझ जाएगा आपने हिंदी पढ़ी है समझी है तो आप समझ जाएंगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है इतना ढेर ज्यादा टेंशन नहीं लेते ठीक बताओ क्या हो जाएगा कौन सा प्राथमिक यौन अंग जो है ये कौन सा है तो याद रखिएगा ये होता है आपका टेस्टिस या कहे आपका भ्रष्ट तो ये आपको याद रखना है ठीक है अगला इम्प्लांटेशन किसकी प्रतिक्रिया मानता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास एक गर्भाशय के लाइनिंग से का जुड़ना माता के रक्त प्लेसेटा के माध्यम से पोषण भ्रूण और उसकी पोषण का विकास है ना व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपका बताना इम्प्लांटेशन जो है इसका आ, ये किसकी प्रक्रिया है बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन है आपका हंड्रेड तो याद रखिएगा ये हो जाएगा एक के लाइनिंग में युग्मज का जुड़ना ठीक अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपका प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है मूत्राशय गुर्दा गुड़दा अंडकोश का लिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट अंडर ब्लैडर किडनी जेंडर क्या हो जाएगा ये आपको बताना अच्छा एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि आपकी एक क्लास सुबह छह बजे होती है करंट अफेयर की एक क्लास है नौ बजे मैथ की सर की एक क्लास है आपकी ग्यारह बजे ये है रेलवे ग्रुप डी के लिए जिसमें आप जीएस और साइंस पढ़ते हैं मैं पढ़ा रहा हूं एक क्लास है आपकी दोपहर दो, दो बजे जीएस और हिंदी की ठीक है आपके एस एस के लिए बाकी पैट की तैयारी करने वाले बच्चे कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चे भी जो है इस क्लास को देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है इसके अलावा एक क्लास आपकी है शाम को चार बजे मैथ की गुलशन सर की एक क्लास है आपकी रात आठ बजे मैथ और रीजनिंग की अजय सर इस क्लास को कराते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास है तो इस क्लास के साथ भी जो है आपको जरूर जुड़ना है ये सभी क्लासेस महत्वपूर्ण है इन सभी क्लासेस के साथ आपको क्या करना है इन सभी क्लासेस के साथ जो है आपको जुड़ना है कल ग्यारह बजे आपकी मैराथन है तो उस क्लास के साथ भी जुड़िएगा कल ग्यारह बजे जो यूपीएससी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी जो कर रहे हैं जिसका एग्जाम अक्टूबर में आने वाला है तो उसकी मैराथन है कल ग्यारह बजे तो उससे जुड़ना है और परसों करंट अफेयर की मैराथन है परसों करंट अफेयर की मैराथन है सर की तो उससे भी आपको जुड़ना है सोमवार वाले दिन ठीक है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? है गुर्दा का लिंग आपको बताना है किसके नीचे यह मौजूद है तो याद रखिएगा मूत्रासय के नीचे मौजूद होती है किसके नीचे मूत्रासय के जो है नीचे मौजूद होती है जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया वो बच्चे क्लास को शेयर कर दें जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो बच्चे इस क्लास को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे याद रखिएगा रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके पास है सिलेक्शन बैच रिकॉर्डेड बैच है फुल कोर्स है ये आपका 399 नाइन नाइन में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं आपको क्लास की पीडीएफ भी देखने को मिल जाती है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके पास स्पेशल बैच है मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस आप यहां पर करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास है सारी क्लासेज एकदम बेसिक से होती है यहां पर आपको डेली क्लास मिलेगी डाउट सेशन बेस्ट कंटेंट पीडीएफ नोट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे 799 में आप ज्वाइन कर सकते हैं पर आपको इतना पे नहीं करना है क्या है? इतना पे नहीं करना है अभी आपका ऑफर चल रहा है तो ऑफर में जो है आप इसे थ्री नाइन नाइन में ज्वाइन कर सकते हैं ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान जो है पा सकते हैं रानी सिंह अरे बाप रे अगला, अगला बता आ, अगला याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैथ और रीजनिंग की क्लास जो है आपकी रोज रात आठ बजे एकदम बेसिक से होती है आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं अजय सर आपको बताते हैं कि आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं इन क्वेश्चंस को कैसे आप बिना पेन पेपर के कर सकते हैं कैसे आपने शॉर्ट ट्रिक लगा के कम से कम समय में कर सकते हैं या आप इन सभी प्रश्नों को एकदम बेसिक से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं अजय सर अपनी क्लास में बताते हैं साथ में क्या इस तरह इन क्वेश्चन का है ये भी अजय सर बताते हैं और क्या क्या जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उन चीज़ों को भी जो है अजय सर अपनी क्लास में बताते हैं तो इस क्लास के साथ आपको जरूर जुड़ना है इसके अलावा याद रखिएगा ये कुछ लिंक है जैसे ये है आपके ऐप आप का लिंक इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या प्ले स्टोर पर जाके आप एस एस सी सर्च करेंगे तो वहां आपको ये ऐप मिल जाएगा तो इसे डाउनलोड कर लीजिए ठीक है आज जिस डिस्क्रिप्शन में उसमें प्रिंट किया गया यहाँ पर आपको क्लास की पी मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं देखने को मिलती हैं तो इसे आपको जरूर डाउनलोड कर लेना यह इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें याद रखिएगा टेलीग्राम जो है यहां पर आपकी क्लास पर डे जो है शेयर की जाती है इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है और वो ये है कि यहां पर आपके साथ कोई नया इनिशिएटिव या थॉट शेयर करना होता तो यहीं करते हैं इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम ऐप या क्लास रिलेटेड तो वो भी यहीं प्रोवाइड कराई जाती है ये है आपके अपने परिवार ऐसे सी में करके यूट्यूब चैनल का लिंक तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो याद रखिएगा आप सभी बच्चों को इस क्लास को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक आपको इस क्लास को जरूर करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही दो बजे मिलिएगा हम एस एस की क्लास कर रहे हैं जिसमें हम ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं कितने बजे दो बजे तो आज की क्लास के लिए इतना ही दो बजे मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत